नमात्मने नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदतम सर्वभूततम तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलारविंद सुमिलिंद कलिंद जेन्द्र नीलांबुजालिदलितांजनपुञ्जमञ्जु नीलाचलधराय श्रीमुकुटायमानं नीलांबरानुजं शरणं व्रजामः। करारविन्दन पदारविन्दं मुखारविन्द विनिवेशयं तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सियमा डबि उरमेला श्रुत के रते बरबामा सियमांडवि उरमेला श्रुत के रते बरबामा चार सुमन चारो रतना तुलसी करत प्रणाम तुलसी करत प्रणाम। सत विघ्न अनेक सच्चिदानंद चिन्मय चिदानंद कारण कारण स्नेही राघवेंद्र सरकार भगवान सृष्टि स्रष्टा दृष्टि द्रष्टा अमृतमंता दिव्य दिव्य भव्य भव्य मृदुल मृदुल मंजुल मंजुल प्रभु दशरथ नंदन कौशल हृदचंदन जानक जीवन श्रीरामंकर श्रीचरण कमल रे अनंत कोटि भूमिष्ठ दंडवत अघटन घटन पटेश परमंबा जगदम्बा कल्याणमय स्नेहमय प्रेममय वात्सल्यमय परमंबा स्वरूपिणी जगदम्बा स्वरूपिणी जगज्जननी जनक नंदनी माँ जानक महाराणीकर श्रीचरण कमल रे अनंत कोटि भूमिष्ठ दंडवत श्री लक्ष्मण लाल जी भरत लाल जी शत्रुघ्न लाल जी प्रात स्मरणीय प्रात वंदनीय चीर अंजनेय वीर बजरंग बाली हनुमान जी महाराज श्रीचरण कमल रे अनंत कोटि भूमिष्ठ दंडवत।
रामायणर रसिक प्रवर भूतभावन भगवान शंकर जीवंकर श्री चरण कमल रे अनंत कुट भूमिष्ठ दंडवत श्री रामचरित मानस नवान्न पारण महाजज्ञ मुख्य कर्णधार पूज्य शील श्री व्यासजी समेत समस्त विप्र संत आचार्य मंडली श्री चरण अरविंद वंदन पूर्वक आजकर संध्या रे उपस्थित अनुपस्थित श्री हरि कथा पिपासु शुद्धि सजन वृंद आदरणीय मातृमयी माँ मैंने सुकल्याण्य सुकल्याण्य छोट छोट पिला मैंने सर्वोपरि ए रामचरित मानस नवान्न पारण महाजज्ञ को दीर्घजीवी कराई ए अनुष्ठान सभापति समेत समस्त कर्मकर्ता वृंद अनुमोदनकर्ता अर्थदाता साहाज्यकर्ता श्रमदाता एवं मोर सहयोग वृंद सजन वृंद भगवान अहेतुक दिव्य कृपार आम श्रीरामचरित मानस नवान्न पारण महाजज्ञ द्वितीय संध्यार उपनीत गत काली आम मैंने श्रवण करते कैलाश उत्तंग शिखर में बसी शंकरजी एवं पाखरे बसी पार्वती माता पार्वती माता प्रश्न पचारूंट सतटा प्रश्न पचारिंट जहाँ हूँ रामचरित मानस सतटा कांड सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास कहते पार्वती महाराणी पचारूंट हे स्वामी हे प्रभु हे नाथ हे भगवान मत कहतु प्रथम कहतु प्रथम सो कारण कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म स गुण बपुधारी हे राम जय स्वामी मत प्रथम कहतु जे निर्गुण ब्रह्म जहां आकार किसी ना जे निराकार जे संसार अत्र तत्र सर्वत्र विराजमान करुचंते सेई भगवान कहीं सगुण एवं साकार होती कहीं मर्त्य पृष्ठ को आस आवश्यकता था आसवा जदि भगवान चाहते गोटे निश्वास वैकुंठपुर थाए भगवान अस्त्र छाड़ी थांते रावण आदि राक्षस मानकर विनाश हो जाता तो कहीं भगवान कौन आवश्यकता थेला ए मर्त्य पृष्ठ को आसवा मानवीय लीला करवा छोटिया पिला ठारो जन्म होबा ठारो मृत्यु पर्यंत ए मानव लीला करूथिले कहीं कौन आवश्यकता थेला तांकर कौन पाई आसीथिले भगवान न आसीथिले कौन हो नथांता कि सेतेबेले भगवान शंकर कहते हे पार्वती समस्ते कहते कई कई कहते भगवान राक्षस मान को विनाश करने आसी कई कई कहते भगवान संत मान रक्षा करने आसी कई कई कहते भगवान विप्र धेनु सुर हित लागे देवता मान रक्षा करने आसी कई कई कहते भगवान गोमाता को रक्षा करने आसी कई कई कहते भगवान धरणी माता को रक्षा करने आसी किंतु भगवान शंकर कहते हे पार्वती भगवान राम आसवर राम जन्मते हेतु अनेक राम संसार को आसवर कारण हूँ अनेक अच्छे तातर कारण कौन ना समस्त हूँ विभिन्न प्रकार कारण गोस्वामी कहते राम जनामते हे तू आने का परम विचित्र एकते Thank you.
समस्त हेतु अनेक जो भगवान परम ब्रह्म राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी रामौचमते पूर्ण ब्रह्म सचिदानंद अखिल ब्रह्मांडर नायक सही भगवान जो मृत्यु पृष्ठ को आसी विभिन्न प्रकार कारण आसी किंतु हे पार्वती परम विचित्र एकते एका आप देखिए चित्र आ विचित्र दि प्रकार अच्छे ए फटो टंगा जाइछि एला रामंकर फटो एला कृष्णंकर फटो एला जगन्नाथंकर फटो एटा गोटे चित्र एटा अच्छे किंतु विचित्र कौन आपण मैंने देखिथे जात्रा देखिथे जात्रा पार्टी रे थरे जात्रा पार्टी ते आपण जानिथे निश्चित जात्रा जाइथे देखिथे ओडिसा रे जात्रा बहुत चलिछि आपण सूरत रे आश्वसना नै मु जानिनि किंतु जात्रा पार्टी रे जणे वर्तमान रो खलनायक होचंती दैतारी पंडा दैतारी पंडा एभलिया यात्रा रे रोल करिले सकाळु लोक माने कहिले से कोठी अछंती को आम गाँव रे माने स्त्री लोक माने मां माने पिला माने समस्त चिंता करचंती आज तंकु बाड़ेबे काहिं कि ना से एभलिया विवश दृश्य करैले राती रे तंकु समस्त चिंता करचंती बाड़ेबे सकाळु किंतु सेही लोक जणक बा खलनायक जणक सकाळु उठी पांचटारू गाधई पादई जगन्नाथ को पूजा करी भजन करते पाखे समस्त माँ मैंने पहुँची गले पचारे तुम्हें तो ये जगन्नाथ को पूजा कर धूप दे पूजा करती से गुड़ाक कौन करूल ना से सब मिछर था मुझ प्रकृत से पूरा प्रकृत जगन्नाथ भक्त अर्थात से गोटे लीला करुले से लीला तो कही पारानी से गोटे रोल करुले से किसी समय पाई से गोटे दृश्य करुले तार वास्तवता किसी ना ठीक से भाव में भगवान शंकर आज कहते हे पार्वती भगवान संसार को आसी कई कई कहते राक्षस मान विनाश करने आसी कई कई कहते भगवान आसी ब्राह्मण मान रक्षा करने कई कई कहते भगवान आसी संत मान रक्षा करने कई कई कहते भगवान आसी धर्म को रक्षा करने कि पार्वती मु कहूँ ए सब हूँ अवास्तव जिनस एथेर कौन सी वास्तवता ना अर्थात सब मिछ हो पारे भगवान ना संत मानी आसती भगवान ना ब्राह्मण मानी आसती ना भगवान गोमाता को रक्षा करने आसती ना भगवान धर्म को रक्षा करने आसती ना भगवान केवल देवता मान रक्षा करने आसती भगवान आसती सत्य पार्वती कहापाई आसती ना जनक आसती से किए कहते गोस्वामी तुलसीदास सो के भगत न हित लागी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय सज्जन वृंद भगवान जुगे जुगे अवतरित ही थांते संत मानंक पाई नुए भक्त मानंक पाई भक्त जेते बेले पुकार करी दबो नहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय न चह मद भक्त्या जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद भगवान जुगे जुगे अवतरित ही जाई थांते जेते बेले भक्त पुकार करी दे भक्त जोठारे थाउ जेते बेले थाउ जो अवस्था रे थाउ जो मुहूर्त रे थांतु ना काई के जदि भक्त उपरे कोनसे विपद पड़ जाए आउ भक्त एकाग्र चितरे भगवान को पुकार करी दे था हे भगवान रक्षा कर हे भगवान रक्षा कर भगवान अविलंबे पहुंच जाते भगवान वाणी तेणु हे पार्वती भगवान जुगे जुगे अवतरित होते भक्त मान रक्षा करने भक्त मान मनस्कामना पूर्ण करदेपी भक्त जितेबले पुकार कर भगवान आसवापी बाध्य सज्जन मंद न आसवर किसी उपाय भी ना निसंदेह भगवान आसी पहुँची जाते उदाहरण स्वरूप सज्जन वृंद थे यही दि चार शह वर्ष तलर कथा श्रीक्षेत्र जड़े भक्त पहुँची जाते से होती बलराम दास जिते बड़े बलराम दास श्रीक्षेत्र पहुँची गले रही छोटिया जगटे जगन्नाथ कृपार होगला से महाबाहूं कृपार
तले निजर छत्र भगवान छत्र छाया तले निजक सुरक्षित रखीदे बलराम दास प्रत्येह जगन्नाथ मंदिर को जाई मुहुर्मुहु भगवान दिव्य रूप को दर्शन करिबा परे पलि आसी था। एकदा महालक्ष्मी डाकिदेले कहाकु ना बलराम दास को, हे बलराम सुनी जा जेतले माँ डाकुचंती जगत जननी कल्याणमयी ए जो ठाकुरानी जगतर ठाकुरानी बड़ देउलर मालिकानी जेतबले महालक्ष्मी डाकि दउचंती बलराम दास सुनी जाओ सुनी जाओ। बलराम दासंकर छातीटा कुंडे मोट हो गला छातीटा फुली गला मत माँ आज डाकि दउचंती जेतबले पहुँच जाइचंती बड़ एकादशी ब्राह्मणिया लोक किछि कहि नांती उपास भोकर जाइचंते जगन्नाथ को दर्शन करिबा पाई जेतबले माँ डाकि दउचंते हे बलराम दास पळि आस मो पाखु मु किछि कहिबार अछि पहुँच जाउचंती खुशी मनरे सेतबले लक्ष्मी पचारुचंते हे बलराम दास तमें सबुदिन आसुच जगन्नाथ को प्रणाम करुच अथच मते प्रणाम करुन ए अंचल ए एरियार मालिकाणी होचि मु जे पर्यंत 60 पौटी भोग व्यंजन करिना जगन्नाथ भोकिला रही जीवे तमें सेई मालिकाणी पाखरे दर्शन न करी जिए कौन धर्मार्थ काम मुख्य चतुर्वर्ग फल प्राप्ति करदेव से ही मालिकाणी होचि मु महालक्ष्मी मते दर्शन न करी मो पाखरे प्रणाम न करी मो पाखरे मथा न टेकी तमें जगन्नाथ को प्रणाम करी जाउच मने रखी था बलराम दास मु तुमको अभिशाप दउचि बलराम दास तमें वंचित ला पर्यंत केबेले श्रीक्षेत्र मृत्युवरण कर पारि ना जो आशा नहीं आसीच मु श्रीक्षेत्र जगन्नाथ को दर्शन कर मरीजी कालियार भुज कालियार शांत बड़ शांत को मु दर्शन कर मृत्युवरण करी हे बलराम दास मु अभिशाप दूची केवल तमें श्रीक्षेत्र मृत्युवरण करना मृत्युवरण तो करना कि मन रखी था बलराम दास तमें जे पर्यंत श्रीक्षेत्र रहीबो मरव तो ना कि व्याधिजुक्त होधिजुक्त अर्थात कुष्ठरोग तुम गलित देह ये रेल मृत्युवरण करना नरक जंत्रणा भोग कर मुझक अभिशाप दे दौ अभिशाप दे दौ अभिशाप को बथापाती सही नहीं जा बलराम दास श्रीक्षेत्र अवस्थापन करुचंती मनरे कौनसी दुख नाही मनरे कौनसी ग्लानि नाही जगतर नाथ जगन्नाथ चरण कमल निजकु संपूर्ण भाव समर्पित करदेई जो बलियार भुज तले निजकु न्यू छाड़ी जाइचंती बलराम दास कौनसी दुख करिबार नाही गीतार न्याय अनुसार सुखे उद्विग्न मनाह दुखे सुविगत स्पृह ना सुखरे खुशी हो जाती ना दुखरे भांगी पड़ते से ही होते प्रकृत भक्त बलराम दास कौन सी नाला कौन विचार नाला कौन सी अभियोग नाला किसी दिन चलीगला जिते बड़े बलराम दास व्याधिग्रस्त ही गले चलार बल ना देहर रक्त पूज बही जा जगन्नाथ को प्रणाम करदे गुरुंडी गुरुंडी पादरे आंठे आंठे चली चली जाई जिते बड़े बांकी मुहाण निकट में पहुंची जाइंटे बांकी मुहाण निकट चली पार ना पादरे बल ना चली पार ना उठी पार ना खाई पार ना किसी करी मुहाण निकट पड़ी जगतर नाथ जगन्नाथ कालिया शांत को डाक हे बलियार भुज हे भगवान हे चकाडोला मत दर्शन दे दि प्रभु दर्शन दे दि मत उद्धार कर दि भगवान मत उद्धार कर दि से बाली उपरे अंकी देउचंते जगन्नाथंकर प्रतिमूर्ति अंकी देउचंते बड़ देउळ अंकी देउचंते पतित पावनवाना एवं सेठारे तंकरी पाद तले पड़ी जाई डाकी देउचंते हे जगन्नाथ मते रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर
विगलित हेउचे पद सिक्त करि दउचे बलराम दासंकर कांदे कांदे पकई दउचंते कई कई हे कांदे पकउचंते कांदे कांदे सेई जगतरनाथ सेई कालिया शांत को डाकी दउचंते हे भगवान आपण कण मोर दुख को दूरीभूत करि देबे नाही कि हे भगवान आपण कण मते दर्शन देबे नाही कि हे भगवान आपण कर मोर मनस्कामना को पूर्ण करि देबे नाही कि भगवान दिन गलो असोबा पूरी समस्त को त्याग कर दे जत बले पहुंच जाइतली श्री क्षेत्र रे प्रभु की दोष करितली आपनका पाकरे प्रत्यय हे भगवान सब किछि नेउ छाडी जाइछि मो मन भितरे कोनसे अहंकार नथिला छंद कपट किछि नथिला भगवान निष्कपट चित रे मु आपनका चरण कमल रे नेउ छाडी हे जाइतली भगवान एही कोन मोर दंड एही पाइ कोन मो श्री क्षेत्र को आसीतली एही पाइ आपन कोन बलियार भुज एही पाइ कोन आपन भक्त वत्सल भगवान एही पाइ कोन आपन भावग्राही भगवान एही पाइ कोन आपन पतित पावन बाण मेले बसी चंती कि प्रभु अपन को उद्धार करिवे नाही कि भगवान जेते बेले कई कई कांदे कांदे डाकी दउ चंते जगतरनाथ जगन्नाथं को हे बलियार भुज हे कलिया शांत मय सगण छिमर आयु सरु कहीं कहीं कांदे पके जगन्नाथंकर सही हाथ तैयारी जगन्नाथंक प्रतिमूर्ति उपरे कांदे पके बलराम दास गड़ी जाऊचंते गड़ी आसुचंते सही परिले नाही जगन्नाथ जेते बेले बड़ देउल को त्याग करि दे गरुड़ पृष्ठ ने बसिबा को जाऊचंते पछाड़ डाकी जाऊचंते महालक्ष्मी स्वामी कुआरे जाऊछ मु जाऊछ मोर भक्त पाकु किए से भक्त से उचंते बलराम दास जेते बेले ना सुनि देचंते महालक्ष्मी पथारी दउचंते स्वामी मु मध्य आपनक संग रे जिवे नै जाऊचंते जगन्नाथ प्रकारांतरे ए कहि दउचंते हे लक्ष्मी मु सब सही पारे मो भक्तर दुख को मु केबेले सही परिबे नाही चलो लक्ष्मी जेते बेले पहुंच जाइचंते बलराम दासंक पाखरे देखि दउचंते गरुड़ पृष्ठ रे बसिचंते जगन्नाथ पाखरे रहिचंते महालक्ष्मी बलराम दासंकर आनंद कहिले न सरे जगन्नाथंक पाद तले लोटी पड़िचंते लो भगवानंकर पाद तले जेते बेले पड़ी जाई निजर दुख अली अर्दली को जड़ी दौचंते हे प्रभु मुझे धन्य हो गले मुझे धन्य हो गले आपण मत दर्शन दे दईचंते ठीक सही समय रे महालक्ष्मी कही दौचंते हे बलराम दास मु तुमको अभिशाप देते तुम्हें केवल श्रीक्षेत्र में मरी पार ना मो कथा है ना ना से बेले बलराम दास हाथ जोड़ कही दौंते माँ तुम्हें कौन जान जेते भगवान जगन्नाथ रथजात्रा रे बाहरी जाते निजर बड़ भाई एवं भौणी को सांगरे धरी नवदीन जात्रा रे गुंडीचा घर को पहुंच जाते से बड़ देवलटा श्मशान तुल्य हो जाए जानी माँ जगन्नाथंक बड़ देवल जगन्नाथंक महाप्रसाद जगन्नाथंक पतित पावन बाना जगन्नाथंक बड़ दंड जगन्नाथंक श्रीक्षेत्र
जदि जगन्नाथ न रहिले श्री क्षेत्र कही कही दनाई, जदि जगन्नाथ न रहिले महाप्रसाद कही कही दनाई, जदि जगन्नाथ न रहिले पतित पावन बन रही बनाई, जगन्नाथ न रहिले नाही तले बड़देव मध्य श्मशान तुल्य हेइबो। हे मां वर्तमान जगन्नाथ मो पाखरे विराजमान करिचंते, एही बाली तियारी देउळ होची बड़देव, एही बाली तियारी देउळ होची मो पाई भगवान जगन्नाथ मो पाखरे चंते। मुझे धन्य ही गले धन्य ही गले धन्य ही गले आखिर दुई धार अश्रु बही जाऊचे महालक्ष्मी इंदर सही उचंते पतित पावनवाना सही उचंते बलियार भुज सही उचंते बड़ ठाकुर सही उचंते कालिया शांत सही उचंते भगवान जगन्नाथ जे जगतर कल्याण करिबा पाए जे भक्तर मनस्कामना पूर्ण करि देबा पाए निजर सिंहासन मध्य त्याग करि देतांते श्री क्षेत्र मध्य त्याग करि देतांते दरकार पड़िले निजर पत्नी को मध्य महालक्ष्मी को मध्य त्याग करि देतांते सेही उचंते जगतर नाथ जगन्नाथ। तेणु हे सज्जन वृंद भगवान जुग जुग अवतरित हेतांते केवल भक्त मानंक पाए ना हेतांते संत मानंक पाए ना थांते ब्राह्मण मानंक पाए ना थांते धर्म को रक्षा करिबा पाए आज सही कथा कहि दउचंते। हे पार्वती भगवान शंकर कहउचंते हे पार्वती भगवान जुगे जुगे अवतरित हितांते निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार रूप नै जैतांते कहा पाए सो के बड़ भगत न हित लागी आगे प्रकाश कर दउचंते जानिच पार्वती भगवान केवल भक्त मानंक पाई आसी थांते सेतेबेले पार्वती महारानी हाथ जोड़ी देले पचारुचंते शंकर भगवान को हे प्रभु हे स्वामी ताला आपण कुहंतु ए भलिया की जने भक्त अछंते भगवान तांक पाई संसार को आसिले कारण कौन से भक्त किए मु जानिबा को चाहे रामचरित मानस प्रारंभ करिबा को जाई भगवान शंकर कहउचंते जानिच पार्वती जणे उचंति भक्त से किए ना से उचंति देवर्षि नारद थरे देवर्षि नारद मन में चिंता करिले मु तपस्या करी तपस्या करिबार इच्छा बळी लाडू कोठी की गले ना हिमालय पाद देश रे पहुंच जाई गोटे पुष्करणी अच्छी बड़ छोटकाटिया पहाड़टी अच्छी तारी पाखरे बसी कौन तपस्या साधन करिबा पाई देवर्षि नारद दीर्घ समय पर्यंत तपस्या आरंभ करि देले जेतेबेले देवर्षिंकर तपस्या आरंभ होगला सेतेबेले तपस्या चली आपण मने रखतु सदा बेले देवता माने उचंती हिंसुक आउ देवता मानंक भितरे जो देवराज इंद्र उचंती परम हिंसुक परश्री कातरता से केबेले कारी सुख सही पारंती नाही जदि आपण केबेले तपस्या करूचंती ताले तपस्या को सर्वप्रथम भांगीबे किए ना देवराज इंद्र आपण किछि जप करूचंती साधन करूचंती ताकु भांगीबे किए ना सदा बेले इंद्र जदि आपण तांको कबळरु रक्षा करिवार उपाय नहांती ताले आपणकर तपस्या आपण पूर्ण होई परिबे ना देखंतु चिंता करंतु आपण कोनोसी भी काम करंतु आपण जेते बेले भी किछि भलो काम करबा को जिवे तपस्या करिवे यज्ञ करिवे किछि भलो काम करबा को जाउचंती सर्वप्रथमे इंद्र आपणकु बाधा देबे आपणक मनरे क्रोध आसीबो आपणक मनरे हिंसा आसीबो आपण तपस्या छाडी देबे किमा किछि विभ्राट होई जिवो कोनोसी ना कोनोसी प्रकार इंद्र ताकु विभ्राट करि देबे किंतु सज्जन वृंद जदि आपण तांक कबल रक्षा पाइबा पई उपाय जानिचंती ताहाले आपणकर कोनोसी क्षति हेबो नाही जे इंद्र भगवान शंकरंकर ध्यान को भांगी जाइतले समाधि को भांगी जाइतले जेतेबेले सेई इंद्र परश्रीकातरता इंद्र पहुंची जाउचंती का पाखरे ना देवर्षि नारदंक पाखरे सेतेबेले देवर्षिंकर तपस्या देवर्षिंकर निष्ठा देवर्षिंकर जो विश्वास थिला
एवं निजर आत्मा कैंद्रिक बल थिला भगवान पाखरे तपस्या करुछंती भांगी पारिले नाही तांक तपस्या को जेतेबे भांगी पारिले नाही कोन करिले ना पाद तले पड़िगले जेतेबे इंद्रंक समेत पठेइतिले जो कामदेव एवं रतिंकु पठेइतिले सेमाने जेतेबे इंद्र कहार ना नारदंकर पाद तले पड़िगले नारद आखि खोलिले आखि खोलिला बेलू इंद्र सोइचंती रति कामदेव समस्त पाद तले पड़िचंती पचारे तुम कहीं पाद तले शोच ना आम आज्ञा आसी आपंकर तपस्या भांगा को पारुना पाद तले पड़ु कहीं आप अभिशाप दिंतु ना आम आप क्षमा कर दिं नारद क्षमा करदे छाड़ीदे सांगे सांगे चलिए कौटी ना भगवान भोलेनाथ पाख शंकर गले पहुँचीगले कैलाश पर्वत भगवान शंकर बसी पचारे शंकर कहले अच्छा देवर्षि तुम बहुत दिन है तो देखा ना 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 देखा ना कौन करूल कि ना मुझे तपस्या करूली तपस्या कौन किसी पाइल तो सांगे सांगे अहंकार वशीभूत हो गले किए देवर्षि नारद कही दौंती हे भगवान भोलेनाथ हे शंकर जी आपण को जो कामदेव तपस्या जर्जरित कर काम बाण से जर्जरित कर आपणकर तपस्या को भांगी देता से कामदेव आज मोठ हारीगला चाहिले भगवान शंकर कले देवर्षि भल है तुम भल न्यायमंत तुम्हें हूँ तपस्वीर मूर्तिमंत प्रतीक तुम पाखे बहुत कठोर साधना अच्छी किंतु मने रख देवर्षि एक मो आगे कहल किसी दुख ना किंतु कौन करे नारायण का आगे कथा कहना जदि नारायण का आगे कहल ताल जानवे तुम विनाश है बुझेगा ना एक कथा कहले संभा पार्टी जदि एक मुझे कह जड़े माँ को कह गोटे कथा शुण एक तुम्हें कहारी आगे कहना हम जदि प्रचार प्रसार किसी करार अच्छी तेल गोटे नईकूल को जीव कि पोखरी तुठ को जीव पोखरी तुठ से पहुँच केत माँ थे जड़े माँ को कह कथाटा राण पकोची क्या कहनी कथाटी कहीदी आस कौन ना दी दिन भितर आ गाँव में क्या पाखे न समस्त जान जाए सतना मीच एटी न आम आड़े से बुझे सीना नई ना कि कौन सी पोखरी ना कि नहीं गाँव में जान बहुत नई पोखरी किसी ना खाली प्रचार कर दे आसपारे केवल क्या कथा नहीं घरे दीज लोक अच्छा दी भाई था गोटे भाईर भल आउ गोटे भाई आगे कहले सी सहीपर तो नारद जेते कही देवर्षि नारद को कौन भगवान शंकर जहा कल कल मो आगे कहल किंतु केवल नारायण का आगे कहना भल कही कहीं नारायण केवल कहारी गर्व सहमति ना भगवान कहते मत गाली दि चापुड़ाटे पकाओ किसी दुख ना श्रीवत्स ब्राह्मण गले गोटे शक्त गोईठा मारिदे नारायण सोई नारायण कौन कले हाथ जोड़ीदे कले प्रभु हे ब्राह्मण देवता आपणकर पादटा केते नरम केते कोमल पाद मो वक्षस्थल केते कठोर आपणकर पादटा मो कठोर वक्षस्थल बाजी केते काटी नथिबो आहा केड़े दयालु होचंते भगवान पादटा को आंशी देले सेई दिन ठारु श्रीवत्स ब्राह्मण पाद चिन्ह शोभा पाउचे नारायणंकर वक्षस्थल सेई होचंते भगवान नारायण सेई होचंते प्रेमर सागर सेई होचंते दयार सागर किंतु केवल अहंकार सहीबे ना भगवान का आगे किए निश्चय हाथ मारिदेव भगवान सही पारे ना तेणु जगन्नाथ दास भागवत कहते कृष्ण कही उद्धव को उद्धव मन रखी था उद्धव मन रखी थी ज्ञानी बोली तुम मन में जो अहंकार अच्छी मन रखी था उद्धव जे पर्यंत मुकार अच्छी तुम शरीर रे से पर्यंत केवल मत पाई पारिबो नाही जे पर्यंत तुम मुकार को त्याग न करीछ
से पर्यंत मो पाखु आसी पारिबो नाही ए उचे निर्दास उचे सज्जन वृंद भागवतर जे पर्यंत आपणक पाखरे मुकार अछि अहंकार अछि से पर्यंत आपण लखे तपस्या करिले मध्य लखे मितिया मंदिर को गले मध्य लखे लक्ष टंका दान करि देले मध्य केवल भगवान को पाई पारिबे नाही तेणु हे सज्जन वृंद सर्वप्रथमे अहंकार को त्याग कर दियंतु मुकार को त्याग कर दियंतु भगवान आपणक पाखरे अछंतु भगवान आपणक पाख को ही चली जेबे संदेह अवकाश नाही तो सही न्याय रे जेतेबेले भगवान शंकर कहते देवर्षि मो आगे कहल कि नारायण का आगे कई बेले कह आेरी करे ना नारद सांगे सांगे पहुँचीगले वैकुंठपुर वैकुंठपुर पहुँचीगले नारायण बसी जमती पचारे देवर्षि तुम आज पर्यंत कौन देखा दर्शन ना ना कौन करवा प्रभु मुझा तपस्या करूली कौटि तपस्या करूल ना मु हिमालय तपस्या करूली तपस्या कौन पाइल तो ना प्रभु जो काम देव हरई देते भगवान शंकर को से मो पाखे हारीगले भगवान नारायण टे हसीदे कह जाओ नारद भल कर तुम भाया तपस्या कई नहांते कि तुम जान तो मोर काम कौन ना कौन भगवान गोटे पण कर भगवान गोटे साधन अच्छी भगवान सब वाले कौन करती ना कथा कौन कथा भगवान भगवान कथा देखते शंकर कहते पार्वती को पार्वती भगवान गोटे पण अच्छी से पणटा ताले कौन भगवान कहते पण हमारो से बक कले पण हमार सेवक हितकारी मोर पण हो मोर धर्म हो प्रतिज्ञा करी मो सेवक को मो भक्त को मो रक्षा करी से मत के कष्ट होना कहीं हूँ भगवान पण तेणु हे सज्जन वृंद जदि आम दासुटे जदि आम भक्त टेजी भगवान पाखे निछारी सज्जन वृंद आम कौन सी दुख कर ना गीतार न्याय अनुसार गीतार नवम अध्याय कहले अनन्या चिंतयंते जे मा भक्त्या पर्युपासते जे अनन्य भाव रे भगवान चरण कमल आश्रित हो जाए भगवान कौन करती ना जोगक्षम बहाम्यहम मु तार जोगक्षम को भार को नहीं जाए मु तार मनस्कामना पूर्ण करे आपण चिंता करंतु नाही मु काली सकाळु काम करिवि अर्थ आसीबो कि न आसीबो आपण थरुटिए भगवान चरण कमल आश्रित हो जातु आप खाइबे कौन आपण पिंधे कौन आपण अर्थ आसब किपरि आपण करेंगे कौन निश्चित भाव शत प्रतिशत ग्यारंटेड गीतार बाणी अनुसार भगवान आपणकर जोगक्षम बाहम्यम न्याय आपणकर समस्त भार को नहींजे हूँ भगवान बाणी भगवान प्रतिज्ञा कर किंतु प्रथम है आम पाखे श्रद्धा रहा दरकार प्रथम है आम पाखे विश्वास रहा दरकार जदि श्रद्धा नाई विश्वास नाई ताहले आपणकर कथा हो पारे नई पारे आपण श्रद्धा रखत विश्वास रखत मुको शहे प्रतिशत ग्यारंटी दूचे भगवान निश्चित भाव आपणकर भार को बहन करेंगे ये हूँ गीतार वाणी तो सही अनुसार भगवान आज पण कर नारद मोर पण कौन जानी तो मोर प्रतिज्ञा कौन जानी तो पण हमार सेवक हितकारी मु सेवक को रक्षा करी मो भक्त को रक्षा करी नारद बुझी पारे नी कि जानी चो नारद भगवान कहते उर अंकुरे गर्व तरु भारी तुम मन भितर तुम हृदय भितर गोटे गर्वर मंजीटे पड़ी अंकुरोद्गम होगला अंकुरोद्गम मान गोटे एड़िकीटे गच्छ ताखे दीटा शाखा या कहते अंकुरोद्गम एड़िकीटे गच्छा मंजीटा पोतीदेला प्रथम एड़िकीटे डाल मानने शाखा आसो एड़िकीटे कौलिया गच्छे तार जोड़िए पत्र हम ताक अंकुरोद्गम कहा जाए एड़िकीटे हो जाए अर्थात नारद तुम मन भितर अहंकार रूपक मंजीटा पड़ी गोटे छोटिया वृक्ष टेगले मोर पण कण मो भक्त को मुझ रक्षा करी से गर्व रूपक गच्छा को मुझे उपाड़ी देवी
କେମିତି କା ଉପାଡ଼ିବି ନା ମାୟା କରିବି। ଭଗବାନ କହିଲେ ନାରଦ ତମେ ଯାଉଛ ଯେ ତମେ ଜାଣିଛ ମୋର ପଣ ହେଉଛି କ'ଣ ପଣ ହେଲା ମୋର ସେବକକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର ଧର୍ମ ହେଉଛି ମୁଁ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବି କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ମାୟାକୁ ଜାଣିନ। ନାରଦ ତମେ ସିନା ଭାବୁଛ ମୁଁ ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲି ଏ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କାମଦେବକୁ ଜିତିଗଲ ତମ ମନରେ ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଏତେ ଗର୍ବ। ଥରେ ନାରଦ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମାୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି ମାୟାର ପରିଭାଷା କ'ଣ। ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ନାରଦ ମାୟା ଦେଖିବ ନା ମୁଁ ଟିକେ ମାୟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ହଉ ଚାଲ ଯିବା। କୃଷ୍ଣ ନାରଦ ଦ୍ୱାରିକା ଦ୍ୱାପରପୁର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ନାରଦ ବାହାରିଲେ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇବାକୁ। ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ମାୟାର ପରିଭାଷା କ'ଣ ମାୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ଧରିଛନ୍ତି ନାରଦ ଗାଧେଇ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ପକେଇ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ ନାରଦ ତମେ ଯାଅ ଗାଧେଇବ। ନାରଦ ଚାଲିଲେ ଗାଧେଇବାକୁ କେଉଁଠିକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଡୁବୁକି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଡୁବୁକିଟା ପୁରା ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ଓ ବୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ନାରଦ ଭାସି ଭାସି ଚାଲିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭିତରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗିଲେ ବିରାଟ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ମାୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି। ନାରଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିରାଟ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀଟିଏ ସୁନାର କଳସଟିଏ ଧରି ବୁଲୁଛି ଯାହା ଉପରେ ସେ କଳସ ପାଣି ଢାଳିବ ସେ ରାଜା ହେବ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ନାହାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧୋଉ ଗାଧୋଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭିତରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀଟି ସୁନା କଳସ ଆଣି ଢାଳିଦେଲା କାହା ପରେ ନା ନାରଦଙ୍କ ପରେ। ନାରଦକୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଲେ ନେଇଗଲେ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସେଇଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ତମେ ବାବାଜୀ ଲୋକ ରାଜା ହେବ ଏ ନିଶଦାଳି କାଟ ବାବାଜୀ ଲୋକ ନିଶଦାଳି କ'ଣ କାଟ ଏ ବିଣା ପକାଅ ସବୁ ତକ ରାଜା ଭାବରେ ବସ। ରାଜା ଭାବରେ ବସିଲେ ଯେତେ ମନା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା କିଏ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ। ନାରଦ ପୁରା ରାଜା ହେଇ ବସିଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ବହୁତ ଦିନ ଗଲା ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ ସବୁ ହେଇସାରିବା ପରେ ଦିନେ ରାଣୀ ମରିଗଲେ। ଆଉ ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ସେନାପତି ମନ୍ତ୍ରୀ କଟୁଆଳ ଆସି କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନିୟମ ଅଛି ଯଦି ରାଣୀ ମରିବେ ରାଜା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜୀଅନ୍ତା ପୋଡ଼ା ହେବେ। ରାଜା ମରିଲେ ରାଣୀ ବି ପୋଡ଼ା ହେବେ ଏଇଟା ଆମ ନିୟମ। ନାରେ ମୁଁ କାହିଁ ପୋଡ଼ା ହେବି ରାଣୀ ତ ମାନେ ନା ଆମର ତ ନିୟମ ଅଛି। ଓ ନାରଦଙ୍କର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବାଜି ଥିଲି ଭଲ ଥିଲି କାହିଁକି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆସି ପଶିଲି ଏ ମୋତେ ପୋଡ଼ିଦେବେ ଜୀଅନ୍ତା ପୋଡ଼ିଦେବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ପୋଡ଼ା ହେବି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ କରିଦିଏ ବାଜି ଲୋକ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ ଟିକେ କରିଦିଏ ପୋଡ଼ା ହେବି। ଓ ଏଇଆ ମନେ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବାକୁ ଦେଖିଲେ ବିଣାଟି ତାଙ୍କର ଥୁଆ ହେଇଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବିଣାକୁ ଧରିନି ବିଣାଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ କରିବାକୁ କେଉଁଠିକି ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭିତରକୁ। ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭିତରେ ସ୍ନାନ କରିଲେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ କରିବେ ନା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଡୁବୁକି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଠି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ନାରଦ କେତେ ସମୟ ଗାଧୋଉ ତମ ଆସୁନ ଉପରକୁ ଶୀଘ୍ର। ନାରଦ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଣେ ମୋ ରାଣୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ପୋଡ଼ିବାକୁ ନେବେ। ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ନାରଦ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଇ ହେଉଛି ମାୟା ଇଏ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା। ଭଗବାନ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତି ମସ କହି କରହି ବିରଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁ ଅଜହି ମସକତେ ହୀନ। କହିଲେ ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ଯଦି କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ମଶାଟାକୁ ବ୍ରହ୍ମା କରିଦେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା। ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଣି ମଶାଟେ କରିକିରି ତଳେ ବୁଲେଇ ଦେବେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା। ତ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ଆଜି ପଡ଼ିଗଲେ କିଏ ନା ନାରଦ। ନାରଦଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଗର୍ବ ଥିଲା ମୁଁ କାମଦେବକୁ ଜିତି ଯାଇଛି ଇନ୍ଦ୍ର ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ନାରଦ ତମେ ଯାଉଛ ଯେ ମନେ ରଖିଥା ମୋର ଧର୍ମ ହେଲା ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତମେ ଯାଅ କିନ୍ତୁ ବାଗେଇକିରି ଟିକେ ଯିବ। ନାରଦ ଗଲେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ନାରଦ ଆସିଥିଲେ କିଛି ନଥିଲା ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି ଗାନ ଚାଲିଛି ଲାଇଟ୍ ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି ସଜିଆ ହେଇଛି। ପଚାରିଲେ ଗୋଟେ ଦୂତକୁ କହିଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନା ଏଇଟା ଆମ ରାଜାଙ୍କର। ଏ ରାଜା କିଏ ନା ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଶିଳନିଧି ଏତେ ସଜିଆ ହେଇଛି କାହିଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ନା ଆମର ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ତାଙ୍କର କାଲି ବାହାଘର ସ୍ୱୟମ୍ବର ହେବ କାଲି
नारद पचारे चिंता करे विचार करे मुसला बेले कि ना सुदु पड़िया ता गला बेले कौन ये गोटे राजा जापार ना भगवान मायार नारायण मायार एभलिया विभ्रम हो पड़ जाइंट मायार कहीं उतरी पारे कहीं बाहरी पारे भगवान जिते माय करेंगे से आम समस्ते नारद तो फसीगले से मायार आम कौन करवा आम हूँ तो साधारण गोटे गोटे जीव तेणु नारद कौन कले फसी जाइंट कहे ठीक अच्छे जीवा देखा केमी का राज्य राज्य भितर पशिले जितेबाला पशुंट देखे बढ़िया लगला ए राज्य तमिका राजा केमी का राजा पाख चलिए बसी सिंहासन शिलनिधि राजा शिलनिधि जिते देखीदे दूर नारद आसुंच नारद को पछोटी नहींगले सिंहासन बसईदे पाद दौत करदे हाथ जोड़ी प्रणाम कर प्रभु मोर गोटे बोली झील विश्वमयिनी आसंता का सका बाहाघर हम दयाक आपे जातक फातक देखते ज्योतिष लोक तार टे हाथ देखी कहते नहीं कौ भाया स्वामी टीए मिल बापा माँ चिंता झीटे रे कौ भाया चिंता हम से कदा बापा माँ जानते जोबले नारद को ये कहले नारद कह हाउ डाक झील को विश्वमयिनी की जिते माँ धरी आज पहुँची गले नारद हाथ कौन देखिए विश्वमोहिनी की चाहिए एभलिया चाहिए आ हाथ देखा भी भूलीगले बारंबार झील हाथ देखे सारे नारद हाथ कौन देखिए नारद चाहते विश्वमोहिनी को यह सुंदर भाव में रचना करिए भगवान नारायण ये माया कर तो ठीक से बेले राजा कहते हे देवर्षि नारद तुम्हें त्रिकाल सर्वत्र दया करंतु कृपा कर दिंतु मो झीर टी हाथ देखु कहतु तार दोष गुण कौन आसंता का सका स्वयंवर हम प्रभु टी कहतु मो मनटा टे मानि जाऊ नारद हाथ देखुंट देखी चिंता कर कहते जाच राजा हे शिलनिधि ए झी को जीए बह कर से कौन हम ना अखंड चक्रवर्ती सम्राट होकर युद्ध में कई जीति पारे ना आ झी को जीए बह कर विष्णु भि नारायण भि कौन करना भोग कर उपभोग कर जो भाई भाव में वैकुंठपुर नारायण अच्छा ठीक से ही भाव में ये झील को जीए बह कर नारायण भि ऐश्वर्यवान हम नारायण भि बलशाड़ी हम नारायण भि वीतशाड़ीपर जाच राजा ये झील को जीए बह कर मर ही ना अखंड सौभाग्यवती भव ए झीर हाथ में अच्छे नारद विचार करे राजा एभलिया मुझ बहुत हाथ देखी किंतु गोटे हाथ अच्छी लक्ष्मी से ही हाथ भाया ये हाथा हो हाथ आ कह दुनिया ना मुझे हाथ देखी नारद निर्जास दे कहे लक्ष्मी हाथा जमीका ये हाथी सेमती आउ कह हाथ भाया नुहे अर्थात ये होती लक्ष्मी माया कर नारायण हाथ सिना देखीदे कही सिना दे नारायण ये नारायण को प्राप्ति हो किंतु नारद विचार कले बाजी लोक केिक माग क्या दुआर जा भिक माग आजिकल बाजी की दवा को जो लोक मैंने तत्पर होती बुझेगा ना कहीं भिक मागि जी झील को बाहरी एपर्तंत नारद कौन चिंता करते मो भाया तपस्वी कहीं नाते मुदेव को हरई बर्तमान चिंता करुंत नारायण माया जदि मुझे झीलटा को बाहरी ताले मो दुख सरला मो अखंड सौभाग्य भक्ति भव मत कहीं युद्ध में जीति पारे ना मो नारायण समकक्ष कौन दरकार बाजी हवा कौन आवश्यकता सी बाजी के यह विचार कर दे कौन करवा ए बाजिया मुह को किए बाहब निशदाड़ी रखी मंकड़िया मुहटा को किए बाहब झीलटा कहीं बाहब ए लक्ष्मी भाया सुंदरी विश्वमोहिनी पुणी ता ना या मत कहीं से बाहब ए विपद बेल मत साय करिए या चिंता करी नारायण को डाकिले प्रभु रक्षा कर भगवान पलिए कौन है नारद
ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମାଗିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋତେ ଦେବେ ତ ନା ଦେବି, ନା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, କାହିଁ ଦେବିନି, କ'ଣ ତୁମର ଦରକାର? ନା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ହରିମୁଖଟା ମୋତେ ଟିକେ ଦରକାର। ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଇ କହିଲେ, କହିଲେ ନାରଦ ମୁଁ ହରିମୁଖ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି। କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ? ନା ପଣ ହମାର ସେବକ ହିତକାରୀ, ମୁଁ ସେବକର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହିତ ହେବ, ମୋ ଭକ୍ତର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ମୋ ଯେଉଁ ଭକ୍ତର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ମୁଁ ସେଇ କାମଟା କରିଦେବି। ନାରଦ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣ କରିବି ତୁମର। ନାରଦ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଳେଇଗଲେ। ନାରଦ ଆରାମରେ ବସିଲେ, ହରିମୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ହରିମୁଖ ନେବି ଆଉ ଝିଅ କାହାକୁ ଭାବ, ମୋତେ ଭାବ ନା ଆଉ ଆରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସମକକ୍ଷ ମୁଖକୁ ଆଉ କିଏ, ଏ ଝିଅ ଆଉ କାହାକୁ ଭାବ, ମୋତେ ଭାବ। ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରି ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ, ସକାଳ ହେଇଗଲା, ଦିନ ହେଇଗଲା, ସବୁ ରାଜାମାନେ ଆସିଲେ, ସ୍ୱୟମ୍ବର ସଭାରେ ବସିଲେ, ନାରଦ ବି ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିବ ଦୁଇ ଜଣ ରୁଦ୍ରଗଣଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଦେଖ ନାରଦଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ତମେ ଯାଅ ପାଖରେ ବସ, ଦେଖ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ରୁଦ୍ରଗଣ ନାରଦଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟମ୍ବର ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବିଶ୍ୱମୟିନୀ ସୁନ୍ଦରିଆ ବରଣମାଳାଟିଏ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସଭାରେ। ଆଉ ଦୂତମାନେ ଗଲେ, ଇଏ ଅମକ ଦେଶର ରାଜା ଏତିକି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କାମିତିଆ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କହି କହିଗଲେ। କାହାରି ଗୁଗଳାରେ କାହିଁ ବରଣମାଳା ଦେବେ? ଜମା ବରଣମାଳା ଦେଲେନି। ଯେତେବେଳେ ନାରଦଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଝିଅଟି କ'ଣ କରିଲେ, ବିଶ୍ୱମୟିନୀ କ'ଣ କଲେ, ହସି ଦେଇକରି ପଳେଇଗଲେ, ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ପଳେଇଗଲେ। ନାରଦ ଭାବିଲେ ହସିଲେ ବୋଧେ ମୋତେ ବରଣମାଳା ଦେବେ, ଆଉ ହସିଲେ ତ ଫସିଗଲେ ବରଣମାଳା ଦେବେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ କାହିଁ ବରଣମାଳା ଦେବ? ସେ ତାର ସେ ଆଗକୁ ଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଗଲା, ନାରଦ ବିଚାର କଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଟିଆ ବାଜିଟିଏ ହରିମୁଖ ପାଇଛି, କାଳେ ଦେଖାଯାଉନି କହିକି ଟିକେ ଉଠିଗଲେ। ଏମିତି କାଉ ପୁନି ପୁନି ମୁନି ଉକସାଇ ଅକୁଳାଇ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଉଠିଲେ। ଝିଅ କାହିଁ ଟିକିଏ ବରଣମାଳା ଦେବ? ଜମା ବରଣମାଳା ଦେଲାନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସଜନମନ୍ଦ ନାରାୟଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ। ଯେମିତିକା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବରଣମାଳାଟି ଧରିଥିଲା ବିଶ୍ୱମୟିନୀ, ପକେଇଦେଲା ନାରାୟଣଙ୍କର ଗଳାରେ। ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଚାଲିଲେ। ସବୁ ରାଜାମାନେ ମନ ଦୁଃଖ, ନାରଦ ବି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ରଗଣ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ପାଖରେ ଥିଲେ, ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବାହାଜୀ ମହାପୁରୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ? ନା ବାହାବାବୁକୁ ଆସିଥିଲି, ଜାଣିପାରୁନ, ମୁଁ ସ୍ୱୟମ୍ବର ସଭାରେ ଆସିଛି, ବସିଛି ସ୍ୱୟମ୍ବର ସଭାରେ। ପଚାରୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ, ତମେ ଜାଣିନ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛି? ମୁଁ ବାହାବାବୁକୁ ଆସିଛି। ନା ବାହାବାବୁକୁ ଆସିଛ ଯେ, ତମ ବାହା ହେଲା ଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ତ? ନା ମାନେ ନା ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ତମ ମୁହଁଟା କେମିତି ଗାଇଛି ଟିକେ ଦେଖୁନ ଯାଇକିରି। କହିଲେ, କହିଲେ ହେ ନାରଦ, ହେ ଋଷିବର, ହେ ଦେବର୍ଷି, ତମ ମୁହଁଟା କେମିତିକା ଅଛି ଟିକେ ଯାଇ ଦୟାକରି କ'ଣ ଦେଖ। ନା ନିଜ ମୁଖ ମୁକୁର ବିଲ କହୁ ଯାଇ, ମୁକୁର ମାନେ ଦର୍ପଣ, ଦର୍ପଣରେ ଟିକେ ତମ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖ। ନାରଦ ଚିନ୍ତା କରିଲେ, ସତ କଥା ତ, ମୋତେ ତ ହରି ମୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ କେମିତିକା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ଆଉ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବି। ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ ଆଉ ରାଜଦରବାରରେ ଦର୍ପଣ ପାଇବେ କେଉଁଠି? ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଣି କୁଣ୍ଡଟିଏ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଗଲା କେମିତିକା। ମୋର କଟ ବଦନ ଭୟଙ୍କର ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଣିକୁ ଚାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମର୍କଟ ବଦନ ଭୟଙ୍କର ଦେଶ, ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ସୁଦୁ ହନୁମାନଙ୍କର ମୁହଁଟିଏ, ନାରଦଙ୍କ ମୁହଁଟା ଗୋଟେ ହନୁମାନଙ୍କର ମୁହଁଟିଏ। ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପଣ ବିଚାର କରିପାରିବେ। ରାଗି ପାଚି ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇ, କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଯାଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ହରେ ଚଣ୍ଡାଳ ଦୁଇ ଜଣ, ତମେ ମୋରି ପାଖରେ ଥିଲଟି ଯଦି ଆଗୁଆ କହିଥାନ୍ତ, ମୁଁ କାହିଁ ସଭାରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଲୋକ ହସାଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ ଝିଅଟା ମୋତେ ବିଶ୍ୱମୟିନୀ ମୋତେ ଦେଖିକିରି ହସି ପଳେଇଗଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋତେ ବାହାହବ ବୋଲି ମନେ କଲା, ମୋ ମାଙ୍କଡ଼ ବଦନକୁ ଦେଖି ହସିଲା, ତମେ ଏଠି ବସିଛ ଚଣ୍ଡାଳ ଦୁଇ ଜଣ, ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତମେ ରାକ୍ଷସରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଅ। ଅଭିଶାପ ସିନା ଦେଇଦେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ମନେ ମନେ ରାଗିଲେ କାହାକୁ? ନା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେବି, ମୁଁ ମାଗିଲେ ମୋତେ ହରିମୁଖ ଦିଏ, ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ମୋ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ
ଚାଲିଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ବିଚାର କରିଲେ କହିଲେ ବିଚରା ବାଜି ଲୋକ କେତେ ବାଟ ଦୌଡ଼ିବେ ମୋର ଆଦ୍ୟନ୍ତ ପାଇବ କେଉଁଠୁ ବାଜି ମୋ ପା ବିଚରା ମୋ ପଛରେ କାହିଁ ଦୌଡ଼ିବ ଏହା ବିଚାର କରି ଯେମିତିଆ ନାରଦ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବସିଛନ୍ତି ପାଖରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଜର ହାର ଯୋଡ଼ିଏ ପଡ଼ିଛି ନାରାୟଣଙ୍କ ଗଳାରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ଗଳାରେ ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି ନାରଦ ତାଙ୍କ ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଥରି ଉଠିଲା ଯେତେବେଳେ ଥରି ଥରି କ'ଣ କଲେ ନା ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେ ନାରାୟଣ ତମେ ହେଉଛ କପଟି ତମେ ସଦାବେଳେ କାହାରି ସୁଖ ସହିପାରିବ ନାହିଁ ତମେ ହେଉଛ ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ କହିଲେ ନାରଦ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ସିନା ଝିଅଟା ଅଛି ମିଳିବ ତାକୁ ମିଳିବ ଏ ଜମି ଝିଅ ବିଦ୍ୟା ସନ୍ତାନ ସବୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତମେ ତ ଯାଇଥିଲ ସ୍ୱୟମ୍ବରକୁ ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ସ୍ୱୟମ୍ବରକୁ ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ତ ମୋତେ ମୋ ଗଳାରେ ବରଣମାଳା ଦେଲା ମୁଁ କହିଛି ମୋ ଗଳାରେ ବରଣମାଳା ଦିଅ ବୋଲି ତମ ଗଳାରେ ଦେଲାନି ମୋ ଗଳାରେ ଦେଲା ମୁଁ କରିବି କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟବାନ ସିନା ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଲଭେ ଅଭାଗା ଲଭେ ଅସୀମ ଭାଗ୍ୟବାନ ସିନା ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଲଭେ ଅଭାଗା ଲଭେ ମନ୍ଥନ କେଶବ କମଳା ଗରଳ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଲଭିବ ଅଭାଗା ସଦାବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ଅଶିବ ବା ଖରାପ ଫଳ ଲଭ କରିବ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିଲେ ଶିବ କ'ଣ ନାରାୟଣ ଉପଭୋଗ କଲେ ନାରାୟଣ ବାହାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଶିବ ଖାଇଲେ କ'ଣ ନା ବିଷ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ ନା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି ନାରାୟଣ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଯାଇ ବାବାଜୀ ମହାପୁରୁ କ'ଣ କରିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହେ ନାରାୟଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛ ନାରାୟଣ ମନେ ରଖିଥାଅ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବାବାଜୀ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଦେଉଛି ନାରାୟଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଚୋରେଇ ନେଇଯିବ ବା ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ହରଣ କରି ନେଇଯିବ ଜାଣିଛ ତମେ ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ କରିଦେଇଛ ନାରାୟଣ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନ ନେଇଛ କେବେ ହେଲେ ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଉଛି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଉଛି ନାରାୟଣ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ସ୍ମିତାହାସ୍ୟ ହସୁଛନ୍ତି ହେ ନାରଦ ତମ କଥା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଥାପାତି ସହି ନେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ତ ନାରଦ ଇଏ ସବୁ ମୋର ମାୟା ମାୟାଟାକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ ନା ଗରୁଡ଼ ଅଛନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ଅଛନ୍ତି ନା ସେ ରାଜି ଅଛି ସୁଦୁ ପଡ଼ିଆଟା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପାଖରେ ନାରଦ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବିଚରା ଫସିଗଲି କ'ଣ ଫସିଗଲି ଜାଣିଛ ନାରଦ ମୋର ପଣ ହେଉଛି ସେବକ ହିତକାରୀ ମୋର ଧର୍ମ ହେଉଛି ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ମୋ ସେବକକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି ମୁଁ ପଣ କରିଛି ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ମୋ ଭକ୍ତକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିବି ମୋ ଭକ୍ତର ପାଦରେ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଫୁଟେଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯିଏ ଥରୁଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଛି ଭଗବାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ ନିଜର କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ହେ ନାରଦ ତମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବି ତମ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବତରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମ ଯୋଗୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରାକ୍ଷସମାନେ ଚୋରେଇ ନେଇଯିବେ ତମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେବି ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହେ ନାରଦ ହେ ଦେବର୍ଷି ଯଦି ତମ ମନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରର ରୂପକ ମଞ୍ଜିଟା ପଡ଼ି ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେଉଥିଲା ଯଦି ଗଛଟିଏ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମେ କେବେ ହେଲେ ମୋ ଭକ୍ତ ଆଉ ହେଇନଥାନ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନବୃନ୍ଦ ଆଜି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ନାରଦଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ନାରଦଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମନା ବାସନା ଅହଙ୍କାରର ଯେଉଁ ବୀଜଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା
ताको उठाई देबा पाए ताको उखाड़ी देबा पाए ताको हटाई देबा पाए ताको बाहर करी देबा पाए आज भगवान निजे अभिशप्त हो गले कले नारद तम वाणी केबेले मिच्छा बनाई मु आसीबी निश्चित भाव आसीबी आसीबी जे केमिति का आसीबी आसीबा पाए जने मां बापा दरकार भगवान आसीबे ना संसार को खाली तो आमे कहि देले भगवान आसीबे नाही भगवान आसीबा पाए से बोलिया मां बापा जने आवश्यकता अछि तो सेतेबेले कोन होला ना भगवान जेतेले तथास्तु करि देले नारद को नारद तमे जाओ जे दुरु दि जन रुद्रगण को तुम अभिशाप देच राक्षस होइजिबे भगवान से मानको कहउचंते हे रुद्रगण तुम अपेक्षा कर मु निजे जीवी तुमको उद्धार कर देबी अपेक्षा करी था तो भगवान आसीबा पई जेतेबेले प्रस्तुति करउचंते सेतेबेले कोन करिले ना सत्य युगर कथा ब्रह्मांकर बाम पादर बाम जंगर जने नारी बाहरी थिले सतरूपा ब्रह्मांकर दक्षिण जंगर जने पुरुषंकु आविर्भाव करैतिले बा सृष्टि करैतिले से उचंती मनु मनु सतरूपा परस्परंकु विवाह करिले तांकर दीटा पुओ तीनटा झियो हला प्रथमे हला उत्तानपाद जांको पुओ उचंती ध्रुव द्वितीय रे प्रियव्रत तीनोटी झियो हेतिले से उचंती कोन सब जे भगवान कपिल को जन्म देते आकुति देवहूति प्रसूति दी पुओ तीन झी को जन्म दे सारे से माने जिते बड़ हो गले मनु सतरूपा भगवान को पाइबापी भगवान लीला रे कौन करे ना तपस्या करे षाठी हजार वर्ष पर्यंत तपस्या करे आम कर आम जदि दिनुटे जी मंदिर को तापर दिन मंदिर को आम आम कथाटा नाला तेल आम मंदिर जबार ना हाँ ना मुझे जाइए मो केस भगवान पाखे पहुँची गली जगन्नाथ पाखे प्रभु मुझे मोर जदि केस डिग्री ताले मु यही आया मंदिर परदेवि जदि केस डिग्री नाला ताले कौ जगन्नाथ मसे आम थे जा पहुँचला कौ जगन्नाथ मुझे जा मोर काम होलानी मुझे कहीं जी ताने कौन से अरे ता माने कौन से मनु सतरूपा षाठी हजार वर्ष पर्यंत तपस्या करले षाठी हजार वर्ष पर्यंत न खाई नपी किछि दिन पानी पीले किछि दिन बेलपत्र खाइले किछि दिन चेरमूल खाइले तापर पवन पी तपस्या करले किछि दिन षाठी हजार वर्ष पर्यंत प्रश्न आसीबो एते दिन मनुष्य कौन बंचीबो कि उत्तर आसीबो हाँ कहीं सत्य युगरे मनुष्यर परमायु एक लक्ष वर्ष थिला त्रेतया युगरे मनुष्यर परमायु दस हजार वर्ष होला द्वापर युगरे मनुष्यर परमायु एक हजार वर्ष होला बेले कली युगरे मनुष्यर परमायु शहे कोड़े वर्ष सत्य युगरे मनुष्यर परमायु कौन थी ना अस्थिगत प्राण थिला हाड़ जे पर्यंत मनुष्यर अच्छी से बंचिबो खाऊ न खाऊ किछि करू न खाइकरी अच्छी तो हाड़ अच्छी तो पानी पकईदे से पुणी उठब तृतीयारे कौन है ना मज्जागत प्राण हो गला मांसपेशी जे पर्यंत अच्छी मनुष्य बंचीचे खाऊ न खाऊ द्वापर युगरे कौन है ना रक्तगत प्राण हो गला जे पर्यंत रक्त संचालन करुचे मनुष्य बंचीचे कली युगरे अर्णगत प्राण जे पर्यंत मनुष्य अर्ण खाऊ से पर्यंत मनुष्य बंचीचे ठीक से ही भाव में षाठी हजार वर्ष धरी तपस्या करे तपस्या करी कहा को डाकिले गोस्वामी कहते द्वादश अक्षर मंत्र पुणी द्वादश अक्षर मंत्र पुणी जपई सहित अनुराग जपई सहित अनुराग वासुदेव पद पंकर दंपति मन पिलाग दंपति मन पिलाग हे सज्जन वृंद कहले द्वादश अक्षर मंत्र पुणी जपई सहित अनुराग द्वादश अक्षर मंत्र कौन ना सत्य युगर महामंत्र होती ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवता कि ना जे होती पूर्ण ब्रह्म जे होती निर्गुण ब्रह्म से होती वासुदेव
ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଷାଠିଏ ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କରିଲେ। ତା ଭିତରେ ଆସିଲେ ବିଧି ହରି ହର ଆୟେ ବହୁବାରା ବ୍ରହ୍ମା ବହୁତ ଉତ୍ତର ଆସିଲେ ମନୁ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ ମୁଁ ଦେବି। ବ୍ରହ୍ମା ମନୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକୁନି। ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ମାଗୁଛ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକୁନି। ହର ବି ଆସିଲେ ଶିବ ବି ଆସିଲେ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ ମନୁ ସତରୂପା ମୁଁ ଦେବି ନା ଆମେ ତୁମକୁ ବି ଡାକୁନୁ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡାକୁଛନ୍ତି କାହିଁ କାହାକୁ? ବିଷ୍ଣୁ ଅଲଗା ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲଗା। ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯିଏ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ ଯିଏ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର। ସେଇ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟାରତ ମନୁ ସତରୂପା ଦୀର୍ଘ ଷାଠିଏ ହଜାର ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ। ଦିନେ ମନୁ ସତରୂପା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି ମନୁ ସତରୂପା ଆଖି କୋଲ ମୁଁ ଆସିଛି। ତମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ ମନୁ ସତରୂପା ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ପୁଞ୍ଜ ଆଲୋକ ପୁଞ୍ଜଟିଏ ଅଛି ବା ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡୁଳାଟିଏ ଅଛି। ପଚାରିଲେ ତମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ତମେ ଯାହାକୁ ଡାକୁଛ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ। ନା ଆମେ ତ ଡାକିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ନା ମୋର ତ ଆକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ହେଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର, ମୋର ଆକାରଟା ଆସିବ କେଉଁଆଡ଼ୁ? ସେତେବେଳେ ମନୁ ସତରୂପା ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତପସ୍ୟା କରିଥାଉ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ମନରେ କିଛି ଭାବ ଥାଏ, ଭକ୍ତି ଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ହେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ, ହେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ଦର୍ଶନ ଦିଅ ଭଗବାନ, ଦର୍ଶନ ଦେଇଦିଅ। ଯେତେବେଳେ କାକୁତି ମିନତି ହେଇଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଉ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ସଗୁଣ ସାକାର ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଭକ୍ତର ମନମାଂଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତକୁ ଦେଖା ଦେବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତର କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଆଜି ସଗୁଣ ସାକାର ହେଇ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମନୁ ସତରୂପା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନୟନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କନ୍ଦର୍ପମୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କୁହନ୍ତି କଳାକଞ୍ଜ ନିଜର ଆକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ସୁନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ମନୁ ସତରୂପା ନୀଳ ସରୋରୁହା ନୀଳମଣି ନୀଳ ନିରଧର ଶ୍ୟାମ ଲାଜୈ ତନ ଶୋଭା ନିରଖି କୋଟି କୋଟି ଶତକାମ ହଜାର ହଜାର କନ୍ଦର୍ପ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇଯିବେ, ନିଜକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିସ୍ତେଜ ମନେ କରିଯିବେ, ନିଜକୁ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ମନେ କରିଯିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମନୁ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସତରୂପା, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା। ଭଗବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମନୁ ହେ ସତରୂପା ତମର କ'ଣ ଦରକାର କୁହ। ମନୁ ସତରୂପା କହିଲେ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? ଆମେ ତ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ଦେବି। ମନୁ ସତରୂପା କହୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ, ଆମକୁ ପଚାରିବେ ଧରାଯାଉ ତମର କ'ଣ ଦରକାର, ଆମେ କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି।
ଯେତେ ଥିବ ଜୀବନରେ ଭାବି ଭାବି ରଖିଥିବା ସବୁତକ ମାଗିଆ ଇଏ ଆମକୁ ଦିଅ, ଗୋଟେ ବି ନୁହେଁ ଦୁଇଟା ବି ନୁହେଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦଶ ପନ୍ଦର ଯେତେ ମନେ ଅଛି ସବୁତକ ମାଗିଦେବ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏଇଆକୁ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତରଫ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ଦେବି ନା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେବି କିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା, ଭଗବାନ ଆସିବେ ନା ସଂସାରକୁ କାହା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆସିବେ ନା ନାହିଁ, ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମା ବାପା ଦୁଇ ଜଣ ଦରକାର ଭଗବାନ ଆସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମନୁଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମାୟା ପୁରେଇ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ମନୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଯଦି ଆପଣ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମୁଁ ମାଗିବି ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ମାଗିବ? ମନୁ ଆଜି ମାଗି ଦେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ दानी शिरो मणि कृपा निधि, दानी शिरो मणि कृपा निधि, नाथ कहु सती बाऊ, नाथ कहु सती बाऊ, तुम समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ, प्रभु सन कवन दुराऊ। श्री राम ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯଦି ତମେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ହେ ଭଗବାନ ହେ ଦାନୀ ଶିରୋମଣି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତମରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁଅ ମୋର ଦରକାର। ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଆ, ମୁଁ କେମିତିକା ଯିବି? ମୁଁ ନାରଦଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି, ନାରଦ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚୋରେଇ ନେଇଯିବ ରାକ୍ଷସ, ଆଉ ମୁଁ ତମରିମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି ତ କିପରି? ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାୟା, ଗୋଟେ ମା ବାପା ଦରକାର, ମନୁ ଆଜି ସେଇଆ ମାଗିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ମୋତେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ପୁଅଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ମନୁ, ମୋ ଭଳିଆ ମୁଁ ହେଇପାରିନି ନା, ଜାଣା ପିଲା ତ ଏକା ଭଳିଆ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାପା ଭଳିଆ ତ ପୁଅ ହେଇପାରୁନି, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେବି? ମୁଁ ମୋ ଭଳିଆ ଦେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ନିଜେ ଆସିବି। କେବେ ଆସିବି? ନା ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଇଛି, ଅପେକ୍ଷା କର, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ହବ, ତମେ ରାଜା ଦଶରଥ ଏବଂ କୌଶଲ୍ୟା ହବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମୁଁ ଏକୁଟି ଆସିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଂଶମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିବି। ମନ ଶତ୍ରୁପ ତମେ ତର ଘରକୁ ପଳା। ମନୁ ଶତ୍ରୁପା ଗଲେ ସମୟ କ୍ରମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଚାଲିଗଲା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆସିଲା। ନାରଦ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ରୁଦ୍ରଗଣକୁ, ସେମାନେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିବା ପରେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ବଳିଆ ରହିଗଲେ, ଯଜ୍ଞକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ନିଜର ଅତ୍ୟାଚାର ବଳରେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତ୍ରାହିତ୍ରାହି ଡାକିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ, ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ସମସ୍ତ ସନ୍ତମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରାବଣ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କର। ଭଗବାନ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଟି ହସିଲେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇଛି। ରାବଣ ତୁ ବାନର ମଣିଷଙ୍କ ହାତରେ ମରିବୁ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତୁ ଛଅ ମାସ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଉଠିବୁ, ଯାହା ପାଇବୁ ସେଇଆ ଖାଇବୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତତେ ଯିଏ ବାର ବର୍ଷ ଶୋଇନଥିବ, ଖାଇନଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିନଥିବ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିନଥିବ, ତତେ ସେ ମାରିବ। ବିଭୀଷଣ ତୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଭକ୍ତି ହେବ, ମୁଁ ତ ବର ଦେଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। କିଏ କରିବ? ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ। ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶିବ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୋ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ। ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଦେଖିଲେ ନାରାୟଣ ନାହାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଶୟନ ପାଖରେ ଥିବେ, କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ଥିବେ, ଚାଲ ନାରାୟଣ ସେଠି ବି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ବିଚାର କରିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାର କରିଲେ, ଶଙ୍କର ବିଚାର କଲେ, ଆମେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପାଇବା କେଉଁଠୁ? ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ, କହିଲେ ହେ ଦେବଗଣମାନେ କେହି ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଭରି ବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାପକ, ଭଗବାନ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସିବେ ତାହେଲେ କେମିତିକା? ନା ପ୍ରେମତେ ପ୍ରଗଟ ହୋଇମେ ଜାନା, ଯଦି ମନ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଭାବ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ରାମଚରିତ ମାନସର ନିର୍ଯାସ ହେଉଛି ସଜନବୃନ୍ଦ, ଆଜିକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭାବ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ନା ବୋଲି ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ କୁହନ୍ତି ଆମ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ନା ବୋଲି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ,
केते बेले हव जगन्नाथ दास कुहते सेवा कर पण्य भक्ति बळे की बाओ साध्य दोरा तोळे की बाओ साध्य दोरा तोळे संत मान हे सज्जन वृंद हे मा मान भागवत रे ना बोली शब्द किछ नाय जदी आपनक पाखरे सेवा मनोभाव अछि आपण सेवा करबा को तत्पर द्वितीय रे कोन ना कार्पण्य भाव कार्पण्य माने विनय भाव मुंडटा को तळकु नुआय दे आपण रागी चंती मु रागी छी आमे दि जण एकाठी हबा कलिकजिया छिंडीबो कोन सूरत डाक्टरखाना नहले बॉम्बे हाँ ना नहीं जदि आपण रागी बेले मु गोटे इंग्लीश रे वार्ड सरी बोली कहीदेली कि ओडिया रे भूल हो जाए काम शेष खेल शेष आउ किछ दरकार नहीं सेठे पदुटे सरी बा भूल हो जाए गला काम शेष अर्थात मुंड को नुआई देवा अर्थात विनय भाव प्रथमे सेवा मनोभाव द्वितीय रे विनय भाव तृतीय रे कौन ना भक्ति जदि तीनटा को जिनिस आपणक पाखरे अछि ना बोली शब्द किछ नै असाध्य बोली ए धरा तळ रे ए मही तळ रे ना बोली शब्द किछ नै सज्जन वृंद सबु आम द्वारा संभव हो पारिबो जदि आम पाखरे ए तीनटा को जिनिस अछि सेवा अछि कार्पण्य भाव अछि आउ भक्ति अछि उपाय आपणक पाखरे विचार करिवार शक्ति मध्य आपणकर अछि तेणु विचार आपण करें जदि आपण पाखे ये तीन टाक जिनस रही संसार ना बोली शब्द किसी ना सबूपर ए जगत को जीति पारे आपन जदि ये तीन टाक भितर गोटे अच्छी तेल आपण मनस्कामना पूर्ण हवा बोध हुए कठिन हम तेणु आज से न्याय जितेबाद कहीदे भगवान शंकर भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समान भगवान सबुठे अच्छा किंतु आसीबे किपरि मु जानिछि प्रेम रे प्रगट होइमे जान प्रेम रे प्रगट हि परिबे भगवान ताले केमिति का आसीबे देवता माने पचारिले मुनि ऋषि माने पचारुचंती मनुष्य माने पचारुचंती ताले प्रभु आपण कुहंतु केमिति का भगवान को आमे पाइबा भगवान शंकराजी उपाय बतै दउचंदे ओटे काम करिबा कोन करिबा ना सर्वे होइबो एक मुख डाकिबो नारायण रख डाकिबो नारायण रख सर्वे होइबो एक मुख सर्वे होइबो एक मुख डाकिबो शंकर हे देवगण माने हे मुनि ऋषि गण माने हे मनुष्य माने भगवान को पाइबा निश्चित भाव रे सहज केमिति का पाइबा ना सर्वप्रथमे समस्ते एक मुख हो जाओ ऊर्ध को हाथ तुले दियो एकांग भाव रे निजर मन को एकाग्रचित कर दे समस्त एक स्वर रे नारायण को डाक भगवान निश्चित हासिले भक्ति प्रिय माधव नारायण होते भक्त प्रिय नारायण होते भक्ति प्रिय जी भक्तिर सहित राम प्रेमते प्रकट होई में जाना राम ही केवल प्रेम पियारा जान ले जो जान नियारा से न्याय जदि आप भक्तिर सहित भावर सहित ऊर्ध को हाथ तोली दे नारायण नाम तल्लीन होइजिबे ताले भगवान निश्चित भाव आसवे या हूँ ध्रुव सत्य यही कथा जितेबाला कहीदेचंती आज भगवान शंकर कथा उपरे विश्वास रखिदे समस्त देवगण माने मुनि ऋषि माने मनुष्य माने एकत्रित हो जाऊंती ऊर्ध को हाथ टेकी दौंती सर्वे होइले एक मुख डाकिले नारायण रख डाकिले नारायण रख होइले एक मुख सर्वे बोला नंद एक बार हो डाकिले नारायण
सज्जन वृंद समस्त एकत्रित ऊर्धक हाथ टेकी दे जेतेबेले नारायण नाम तल्लीन हो गले गगन पवन प्रकंपित हो गला नारायण नाम भगवान आसवापी बाध्य आसीगले भगवान जेतेबेले मझीरे उपस्थित हो जाई पचारि दउचंती हे देवगण माने हे मुनिर्षिगण माने हे मनुष्य माने हे पितामह ब्रह्मा हे भगवान शंकर हे पृथ्वी मां तमें काहीकि मत डाकिल कौन असुविधा पड़ जाइए एठारे से समस्ते हाथ जोड़ी दे निजर दुख जन दे ब्राह्मण माने जन दे प्रभु आम यज्ञ कर पारना संत ऋषि माने कहीदे प्रभु आम तपस्या कर पारना धरणी माँ कहीदे प्रभु मुारा सही पारना रावण देवता माने कहते प्रभु रावण आम को पाद तले खटेदेला आम करू कौन समस्त दुख जितेबाला नारायण पाखे पहुँचीगला नारायण आज निर्जास दौंते समस्त को थमे दौंते कही दौंते हे देवगण माने शुण मु तुमको कहूँ हे देवगण माने हे मुनि ऋषि माने हे मनुष्य माने अपेक्षा कर मु तुमको कथा दौची मु निश्चित भाव आसवी केमी आसवि कौटिक आसवि भगवान आज कही दौंते हे देवगण माने हे देवगण माने हे मनुष्य माने मु जीवी कहा पाखो जीवी ना जने राजा पाखो जीवी भगवान निर्जास दउचंते रामचरित मानस माध्यम रे भगवान आसीबे ताले कहा पाखो ना जहा पाखे रहिया अछि कोन अछि ना जहा पाखे सत्य धर्म न्याय ए तीनटा को जहांक पाखे अछंति मु सेई राजांक पाखो को जीवी ताले से राजा किए ना से उचंते राजा दशरथ सत्य धर्म न्याय रे जे निजर जीवनटा को पण कर अर्थात भगवान केते बेले आसीबे ना भगवान जहाँ पाखे तीनटा गुण थिबो जहाँ पाखे सत्यता थिबो जहाँ पाखे धर्म थिबो जहाँ पाखे न्याय थिबो ताले सत्य काहा को कहिबा धर्म काहा को कहिबा न्याय काहा को कहिबा सत्य माने मु सदा बेले सत कहूची मिछ कहूची ताकू सत्य बोली कुआ जाए सत्य माने कोन सत माने कोन सत गोटे कौन मु सदा सत कथा कहली मिछ कथा मु जमा कहून किए एमती जीवन नहीं जे से मिछ कहनी बोली भगवान तो मिछ कहले आम कौन सत कह हाँ ना धर्मराज युधिष्ठिर मध्य मिछ कहले नरेबा गुंजरे अस्वस्थमा हत तेणु तक गोटे दिन अपेक्षा करने को पड़ा तेल सत आम क्या कह सत मान सत कथा कह से नुह सत मान रामचरित मानस गोस्वामी तुलसीदास निर्जास दौंती सत हरि भजन जगत सब सपना ए जगत हूँ मिथ्या ए जगत भितर जदि आम रही गोटे हूँ सत्य ताले सत्य कौन झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ भोजन झूठ चबेना अर्थात देना लेना हूँ मिछ भोजन हूँ मिछ स्वयन हूँ मिछ ए देना लेना संसार भाई बंधु मिछ सबू हूँ मिछ सत ताले कौन ना सत हरि भजन जगत सब सपना जगत हूँ स्वप्न गोटे जिनस हूँ सत जे भगवान नाम तल्लीन हो जाए उदाहरण स्वरूप मुझे गोटे कथा कहूँ जितेबले हस्तिनापुर युद्ध सरीगला समस्त कौन पांडव मान निहत करदे
अयोध्या कौन राजा हेले हस्तिनापुर राजा हेले धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन छाड़ा जाइंटे कृष्ण को कौटे कि ना द्वारिका नगरी को जा निजर श्रम मेटाइवाई शोपड़ रोष सरीगला पाटवंशी मानर जे रुक्मिणी मुख्य से अन्न थाली धरी अन्न व्यंजन थाली धरी कृष्ण पाखे पहुँचीगले थोदे कृष्ण को कहले प्रभु आप भोजन करतु कृष्ण भोजन कौन करेंगे कहले कह रुक्मिणी मो घरे जन अतिथि अच्छा मुझे नदे खाइबी आम घर तो आम आगुआ खाईदे से जाड़े बुलंतु आसिले खाइबे आम आगुआ भल मंद कर खाई हा ना ना कितु अतिथि की नदेला पर्यंत गृहकर्ता खाइब ना खाइले पाप हम शिखा आम भागवतर कौन महाभारत तो ठीक अच्छे पचारे अतिथि कौटी अच्छा अतिथि भवन में रुक्मिणी खाद्य थालीटा थोदे भगवान कृष्ण को कहे आपेक्षा करते मुझे डाक जितेबाला रुक्मिणी जा हाँ रुक्मिणी जा पहुँचीगले देखिले कौन ना कृष्ण अर्जुन शोचंती जिते थर से शोचंती रोम मूल केवल कृष्ण कृष्ण उच्चारण होते कृष्ण भक्त कृष्ण प्रेम एभलिया पागल हो जाते अर्जुन शोचंती निश्वास प्रश्वास केवल कृष्ण कृष्ण उच्चारण रुक्मिणी से बस कौन कले ना ताली बजेले ताल अनुसार ठीक ये गले नारद पहुँचीगले नारद पचारे भगवान आपण कहीं खाद्य बढ़ाई खाऊ ना ना मुँह कौन करी अतिथि अच्छा नदे मुँह कौन खाईपरि ना मुझे डाकदेवी नारद जा पहुँचीगले देखिले कृष्ण अर्जुन निश्वास प्रश्वास कृष्ण कृष्ण उच्चारण रुक्मिणी बस कि ताली बजाऊँ नारद बस वीणा बजे पहुँचीगले सत्यभामा कहे स्वामी एपर्तंत कहीं खाइन ना मो पाखे अतिथि अच्छा मुझे कमी खाईदेवी अतिथि आसिले तो मुझे कहबी ना मुझे अतिथि की डाकदेवी सत्यभामा चल सत्यभामा जिते देखिले नारद वीणा बजाऊँ रुक्मिणी ताली बजाऊँ कृष्ण कृष्ण उच्चारण करजुन शोला अवस्था निश्वास प्रश्वास कृष्ण बाहर से रुक्मिणी कह सत्यभामा कौन कर नाचवाक लगे जिते कृष्ण विचार कले समस्ते जाऊँ रही कौन है कृष्ण जिते कहले जदिव सबू जानते भगवान कृष्ण किंतु भक्त को महत्ता देवाई भक्त गुण को बढ़ई देवाई भगवान कृष्ण मध्य निजे चलीगले देखले कृष्ण अर्जुन शोचंती कृष्ण कृष्ण उच्चारण करुक्मिणी ताली बजाऊँ नारद वीणा बजाऊँ सत्यभामा नाचुचान कृष्ण कौन कले ना पाद चिपिया को लगे जिते पाद चिपिले कृष्ण प्रेम अश्रु बहीगला अर्जुन पादर पड़गला अर्जुन उठीगले कहे प्रभु कौन कहते आप एक ही कथा करूँ मत पाप लगे ना 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 अर्जुन तुमको कौन पाप लगे तुम रोम सारा तुम देह सारा केवल कृष्णमय हो जाए मुझे कृष्ण को चिपुची मुझे तो कौन सेवा करण सेवा करजुन किए जाणिना से सजन्म प्रेम से सत् सत्यता कौन ना सत्य मान मु सत कथा कह नुहे सत माने मु जेते बेले भी घरे अच्छी दिन राति 24 घंटा मु भगवान नाम जप करा सत ताले धर्म क्या कहवा सत्य होला माने सत कथा होला सत्य नुहे सतला हरिंकर नाम नवा द्वितीय धर्म क्या कहवा भागवतर कथा पचारे व्यासदेव को मुनि ऋषि माने प्रभु धर्म क्या कहा जाए से व्यासदेव कहले कहे जो युद्ध चली से समस्ते मरीगले दुर्योधन पड़ी जानु भंग पड़ी युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र पड़ी से अस्वस्थ मा जा पहुँचले कहे भाई हे बंधु जदि मत प्रथम सेनापति करपांडवाधरणी करदे था एबि समय अच्छे बंधु तुमको मुझ सेनापति करदेली अस्वस्थमा को सेनापति करदे अस्वस्थमा आसिले शयन अवस्था निद्रित अवस्था द्रौपदी पांचटा पुह को मारिदे मारिदेपर भगवान कृष्ण तापर दिन पंचुपांडव को सांगरे धरी पहुँचीगले पंचुपांडव जिते आसीगले अर्जुन जिते देखीदे द्रौपदी कांदुची पांचटा निरीह शिशु को मारिदे अस्वस्थमा से निजे गले युद्ध कर अस्वस्थमा को बंदी कर पहुँचे क्या पाखे ना द्रौपदी पाखे द्रौपदी तुम शत्रु तुम आगे ठिया ये जो पाप करमणीय पाप अक्षमणीय पाप कौन भागवत कहते स्त्री गर्भिणी शिशुबद्ध पापंक मध्ये अप्रमाद पापंक मध्ये अप्रमाद
अच्छी संसार रे तीनटा पाप होच उत्कृष्टतम पाप स्त्री गर्भिणी शिशुबद्ध ये चंते पापंक भीतर अप्रमाद ए पाप जिए करिवो आयुष थिले भी से मरिजिवो कंसर आयुष थिला से मरिगला केवल कृष्णंकर छ भाई को मारिला बोली तो ठीक से ही भाव में अस्वस्थमा तुम पापों भितर अप्रमाद ये पाप करीय शिशु को बद्ध करम दंड हूँ मृत्युदंड कह द्रौपदी कौन ताको दंड दिजो यही है धर्म धर्म को विचार करौपदी कहले प्रभु हे स्वामी हे भगवान कृष्ण मोर पांचटा स्वामी अच्छा मो बयस अतिक्रांत होते दरकार पड़े मुझा संतान सृष्टि करे नचेत मो वंशर कूलवधु अर्थात उत्तरा गर्भरे गोटे पुत्र संतान बढ़ुची से आम कूल को रक्षा करिवो किंतु मो गुरुपत्नी होती किए गौतमी जहाँ स्वामी द्रोणाचार्य नाते गोटे बोली पुओ होती अस्वस्थ माँ जदि से मरी जाए ताकू जदि प्राणदंड दि जाए ताले तांको बापा माँ को पानी देव किए ए कथाटा जी विचार करी पारे से हूचे प्रकृत धर्म धर्म नुहे मु गीता पाठ करी धर्म नुहे मु रामचरित मानस करी धर्म नुहे मु प्रत्येक दिन मंदिर को जाई फूल चढ़ाई देवी यार माने नुहे धर्म धर्म परिभाषा हूँ सज्जन वृंद धर्म ताकु ही कुआ जाए जो दुख मत लगुच से ही दुख मुझे आह को देली अधर्म कली जदि से दुख मुझे देली ना तो धर्म कली यही धर्म प्रकृत परिभाषा तेणु हे सज्जन वृंद सत्य मुछ कह नुहे सत्य है मु भगवान नाम ने धर्म मो दुख मुझे देवी ना न्याय तृतीय न्याय जी न्यायवंत न्याय माने कौन विचार करवा ना सज्जन वृंद न्याय माने पालन करवा आ प्रजानुवत्सल होते भगवान राम राजा दशरथ प्रजा मान को जमीती का पालन करुले समभावापन्न होती न्यायर मूर्तिमंत प्रतीक होती दशरथ महाराज जहाँ पाखे समदर्शी अच्छा गीतार न्याय अनुसार विद्या विनय संपर्णे ब्राह्मण गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शीन से ही न्याय जी समस्त पाखे सामान ता देखा दिए बा समस्त पाखे भगवान अंश अच्छी भाभी सामानता देखा जाए देखा थाए न्याय बोली कहा जाए तेणु भगवान तीन जन पाक जाते सत्य धर्म एवं न्याय जदि आपण अच्छी ताले भगवान निश्चित आसबे सन्देहर अवकाश ना भगवान जी से कहते हे देवगण माने मुझी क्या पाक जीवी सत्य धर्म न्याय रक्षा जहाँ जीवन दीक्षा जी होते राजा दशरथ ताखे मुश्चित भाव जीवी आउ जा कौन करी कही दौंते आज भगवान नारायण हे देवगण माने श्यावर रामचंद्र भगवान की जेतबे भगवान जी
प्रतिश्रुति दे दउचंते हे देवगण माने हे मनुष्य माने हे ऋषि मुनि माने मु प्रतिज्ञा करूची मु कथा दउची तम दुख को मु अविलंबे गुंचाई देबी रावणर प्राण को विनाश करि देबी निशिचर हीन करि देबी मई को निश्चित भाव रे तमरा मनस्कामना पूर्ण करि देबी अपेक्षा कर देवगण माने जेतबेले भगवान कथा दे दउचंते आजे भगवान कथा केवेले अन्यथा हेबो नाही अपेक्षा कर देवगण माने मु निश्चित भाव रे जीवी निर्गुण ब्रह्म आज सगुण साकार हेबाकु जाउचंते कोठी ना दशरथंक पुरा रे मु अवतरित हेबे तृतीया युग हेइ जाइछि राजा दशरथ अछंते तीन तीनटा राणी अछंते अर्धाधिक समय बीती जाइछि कहारी संतान नै ना समस्ते चिंता करुचंते अयोध्या रावण वृद्ध बनिता चिंता करुचंते आम राजा दशरथंकर कौन एठारे कूल शून्य हो कि एठारे कौन अयोध्यार सूर्य बुड़ी जीव कि एठारे कौन अमा अंधकार घुटी जीव कि अयोध्यार राजा दशरथ महाराज एत पुण्यवंत राजा सते कौन अपुत्रिक होजे कि जेतबेले समस्तंकर चिंता अछि एई चिंता को दूरीभूत करदेवा पाए राजा दशरथ कहा पाकु गले ना गुरुदेव पाक हे सज्जन वृंद संसार जणे उचंते गुरुदेव भागवत रे कुंती असार संसार समुद्र मध्य समो जतमे शरणम किमस्ति गुरुर कृपाला कृपया विदेई बदेईत विशेष पादांबुज दीर्घ नौका अर्थात आपण जदि गोटे नई देखिबे ताप्ती नदी आपणक पाखरे अछि एपट रु सेपट को जीवा पई गोटे पोल अछि ठीक 70-80 वर्ष 100 वर्ष तल को पल जातु से पोल नाला लोक एपटर सेपट को जीवाई गोटे डंगार आवश्यकता थिला डंगा टी चलुला टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर सरकार पैसा खर्च कले इंजीनियर मैंने प्लान देले गोटे पोल या पचर टेक्नोलॉजी वाला पचर इंजीनियर वाला पचर साइंटिस्ट वाला पचर सरकार को केते पैसा खर्च कर तुम्हें भव संसार रूपक सगर उपर गोटे पोल करदे मु स्वर्ग को जीवी गोटे पोल याद ब्रिज टीए तादेव करदे सरकार से ताकत अच्छी इंजीनियर मैंने प्लान करदे ना साइंटिस्ट मैंने रिसर्च करदे किपारे ना से जीवाई गोटे डंगार आवश्यकता अच्छी तेल से कौ डा काठ तियारी डंगा नुहे कहते अच्युतानंद महापुरुष सेटा गोटे भगवान नाम रूपी डंगा कहले अच्युतानंद महापुरुष भव संसार रूपक सगर उद्धार गोटे डंगा अच्छी काठ तैयारी डंगा नुहे से भगवान नाम रूपी डंगा आउ डंगा को चलेला वाला जने दरकार आहुला वाला कह कातवाला कह नाविक कह ड्राइवर कह जहाँ गोटे डंगा को चलेब ठीक से भाव में भव संसार रूपक सगर उपर जो नाम रूपक डंगा पड़ी से गोटे ड्राइवर आवश्यकता अच्छे से गोटे कातवालार आवश्यकता अच्छे बा गोटे नाउरीयार आवश्यकता अच्छे बा गोटे आहुला वालार आवश्यकता अच्छे से किए ना से होती गुरु पद जुगल जदि आप प्रकृत दीक्षित होती गुरु मंत्र मंत्रित होते गुरु मंत्र निजक दीक्षित करते हैं भव संसार रूपक सगर रु उद्धार होते भागवत बाण ठीक से न्याय रामचरित मानस गोस्वामी तुलसीदास कहते गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई गुरु बिना ए भव संसार रूपक सगर रु कई उद्धार हो पारती ना अवश्य जो बीरंती शंकर सम हो से शंकर हूँ बा ब्रह्मा हूँ बा कौन सी देवगण हूँ जदि गुरु ना उद्धार हो पारे ना संसार हूँ रामचरित मानस निर्जास तेणु आज राजा दशरथ जिते अर्धाधिक समय बीती जाइए कौन से संतान नाई से पहुंची जाते गुरुदेव पाखे वशिष्ठ पाखे प्रभु मो मनस्कामना पूर्ण कर दिंतु मोर जो निर्ज जातना अच्छी मोर जो असुविधाटा अच्छी मो अपुत्रिक राजा बोली समस्ते कहते दूरीभूत कर दिंतु वशिष्ठ कौन करे ना गोटे पुत्रेष्टि यज्ञ आयोजन करे आयोजन करी कौन करे ना डाकिले जड़े ऋषि को किए ना श्रृंगी ऋषि को डाकिले श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा
पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। प्रश्न आसीब वशिष्ठ को कौन मंत्र जना नथिला कि वशिष्ठ कौन यज्ञ करि पारि नथांते कि वशिष्ठ भी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ज्ञान थिला तांके पाखरे से भी करि पारि थांते यज्ञ किंतु डका हला जन को काकु ना श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ आरंभ हो गला एमिति का आहुति देले किए राय ऋषि श्रृंगी ऋषि सांगे सांगे अग्नि देव कौन करिले प्रकट अग्नि चरु कर लेना अग्नि चरु धरिकी बाहरी पड़े आमर तो केते यज्ञ हो कहीं कौ दिन बाहरी ना अग्नि चरु धरिकी कौ दिन कहीं बाहर ना तो कहीं ताले बाहर कौन आवश्यकता थी बाहर कौन थिला ताजे आम एत यज्ञ करूचे केते क्विंटाल क्विंटाल घी होम करदे कि ना कौन सी दिन अग्नि को आम देखने किंतु से आहुति देदे अग्नि बाहरी पड़े कौन थी कारण जहाँकि वशिष्ठ पाखे नाला कहारी पाखे नाला गोटे कारण छोटिया कारणटा गोस्वामी तुलसीदास कहले भगवती सहित मुनिया दीने प्रगटे चलू कर दीने किसी करना गोस्वामी तुलसीदास कहले गोटे जिनस मात्र करगती सहित मुनि आहुति दिने कौन करे ना भक्तिर सहित आहुति दिने दिने भक्तिर सहित मुनि कौन करे श्रृंगी ऋषि ना आहुति प्रदान करे मुझे कटाक्ष करूना कि क्या कमेंट करूना कि क्या उपहास करूना केवल गोटे भाव कम अच्छे आम पाखे भक्ति भाव कम अच्छी जदि पचर जीव भाईना कड़े जाइल ना मुझे तार किले घी पोड़ी देकर आई ना हाँ ना ना भाईना मुझे कहूनी मैं रागनी मो उपरे अरे किले घी पोड़ी देलु कौन कहून मु होम करदेलु मूर्ख कौन करे गोटे हाथ में एणे मोबाइल एणे आहुती चली थी देखी थी रम मुझे कहीं तरतर हो बुझेगा ना भाव तो खाली गलुची आ जदि भाव ना सज्जन वृंद भाव ही विद्युत देव तस्मात भाव ही कारण जदि भाव ना जदि भक्ति ना कस्मिन काले भगवान आसबे ना ये हूँ ध्रुव सत्य तेणु कौन है ना भगवती सहित मुनि आउति दिने से अग्नि आसिले एवं आसुना कहीं कौन भूलटा अच्छे आम पाखे प्रथम भूल हूँ आम पाखे भक्ति ना आम मीछ कथा कही करूचे आहुति द्वितीय कथा कौन ना भाव आम पाखे ना तृतीय रे कौन ना आम एभलिया बिगड़ी जाइए आमको एति की देले आम करूँ काम बेपार हो गोड़ा बेपार तोर घर प्रतिष्ठा करे के टा आग दबू हाँ ना ना गीतार कहले व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रे के हुरु नंदन जेपर्यंत व्यवसायिक बुद्धि अच्छी भगवान आसबे ना के आसबे ना हजारे पड़े कौन बगियो क्विंटाले क्विंटाले दस क्विंटाले पड़े कि आसबे ना आसवापी दरकार कौन ना भाव दरकार दरकार प्रेम दरकार दरकार आपण भक्ति भाव दरकार। तृतीय पर्याय जड़े भाईना मुझे आज्ञा आक्षेप करूना गोटे जगार संकल्प है कहीं भगवान आसुना मुकल्प कली ये रामचरित मानस नव दिन पर्यंत संकल्प कले भाईना घर द्वार छाड़ी देसी जो गरम जो मशा मछि पड़ी रही आपण आपण घर बागे शोले कि भाईना पड़ी जाचाता है कितु आउ के भाईना अच्छा कौन करेंगे आपणकर ये टीके कर दे पुणी आउ कौटे जा गोटे कम करदे बाहर तार छाड़ देकर आउ कौटे कर गला जो वरण हम संकल्प हम से रो कमटा कल सबू से पाने गला एत टा दु लक्ष पांच लक्ष खर्च है सब पाने गला तेणु सज्जन बंद भगवान कहीं आसबे ना कहीं से आसिले एत बड़े कहीं आसबे ना
आसिबा पाई जणे उचंती बाध्य जदि धर्मर दीटा पाद सज्जन वृंद गोटे ब्राह्मण ले गोटे उचंती संत माने जदि दी जण ठीक हे जिवे ताले भगवान को थर हर करि देबे सज्जन वृंद भगवान आसिबा पाई बाध्य हे आसिबे नि क निश्चित भाव आसिबे जदि दी जण ठीक रहबे दीटा पाद ठीक रहबो ब्राह्मण एवं संत दुई जण जाक जदि ठीक रहबे भगवान आसिबा पाई बाध्य हे बाध्य हेले मध्य केमितिया देले किछि मंत्र जानि नांते किछि तंत्र जानि नांते श्रृंगी ऋषि कोण करिले केमिति गाहुति देले भगवती सहित मुनि आहुति दिने प्रगट भक्तिर सहित संपूर्ण भाव रे भगवान चरण कमल रे आश्रित हो जाई नीउ छाड़ी दे आहुति प्रदान कर दे भावर भक्त होते भावर वश्य होते भगवान अग्नि देवता चरु धरी बाहरी पड़िले हे श्रृंगी ऋषि नियय चरु दे राजा दशरथ को निश्चित भाव रे संतान हेबे राजा दशरथ नहीं चरु नेले काहा को देले राणी को देले केतटा राणी राजा दशरथंकर केते राणी राजा दशरथ केते जण राणी केते जण राणी हाँ तीन राणी आउ छाड़ी देवा तीन राणी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तो राजा दशरथ को जेतेबेले चरु दिया गला चरु नै राजा दशरथ कौन कले दी जण को देले कौशल्या को देले कैकेयी को देले सुमित्रा को देले नाही तो काईकी देले नाही सुमित्रा को चरु देले नै काईकी सुमित्रा तांकर स्त्री धर्मपत्नी नुहत राजा दशरथंकर केते राणी अच्छा मुझे कही पार कि तीन जन जो राणी थे दीज हो धर्मपत्नी जड़े होती कौशल्या जड़े होती कईकेयी किंतु सुमित्रा तांकर धर्मपत्नी नुहत स्त्री ताले स्त्री क्या कह धर्मपत्नी क्या कह जहाँ मुझे कहीपरि नाहीटे खराब कथा तेणु स्त्री होती सुमित्रा जहाँ कोई चरु राजा दशरथ देले नाही दी जन को देले कौशल्या को देले एवं कैकेयी को देले कौशल्या भल पाई कैके सुमित्रा को टिके देले कैकेयी भी सुमित्रा को टिके देले दया करि देले किंतु राजा दशरथ देनांते देइचंती दी जन राणी तो जेतेबेले चरु दे देले किछि दिन बीतीगला दस मास दस दिन बीतीगला भगवान जे निर्गुण ब्रह्म जे निराकार ब्रह्म संसार रे तांकर आकार किछि नाही सेई भगवान आज सगुण साकार हेबा पाई जेतेबेले समस्त बंदोबस्त करि दैचंते भगवान आसिबे केतेबेले आसिबे केतेबेले आसिले ना खरा अछि ना वर्षा अछि ना शीत अछि ना किछि कष्टदायक जंत्रणा अछि ना राति अछि ना किछि भय करिवार अछि भगवान सेतिके बेले आसिले ग्रह जोग लग्न बार तिथि सकल भय अनुकूल ग्रह जोग लग्न बार तिथि सबु जेतेबेले अनुकूल होगला भगवान संसार को आसिले केतेबेले आसिले नवमी तिथि मधुमास भगवान आसिले केत आसिले ना नवमी तिथि मधुमास पुनीता मधुमास माने चैत्र मास रे भगवान आसिले केते बेले आसिले ना बसंत ऋतु रे आसिले आपण खरा दिन एबे जो खरा होची की खरा होचो बाहर को बाहरी होनी मुंड पटा करा शीत दिन रे ए केते शीत होची गोड़ी गाड़ी हेले वर्षा दिन रे सब आड़े पंक कादुओ किंतु गोटे बसंत ऋतु जिते ना खरा अच्छी ना शीत अच्छी ना वर्षा अच्छी से समस्ते पल्लवित हिंदू नववर्ष केते बेले हुए
हिंदू नववर्ष कौदिन हूँ एक तारिख नुह एक तारिख ख्रीस्टियान मानकर आम खाली दीप जाली कैंडेल लगे बाण फुटे खाली पैसा को व्यय करुचे ना हिंदू नववर्ष मान पणा संक्रांति एप्रिल 14 तारिख कहीं नववर्ष से नववर्ष ए बेलर नववर्ष देखते एक तारिख जानुरी से सब पत्र झड़ा दे गछलता भी थुंटा होकर ठिया हो किंतु नववर्ष हिंदू नववर्ष 14 तारीख एप्रिल देखे सब गच्छा पल्लवी तरीके थी से एक तारिख जानुरी जोटी वृक्ष पशुपक्षी मैंने निजक लुचे रखुवे किंतु गोटे है नववर्ष हिंदू नववर्ष एप्रिल 14 जो तेल आमर स्वर सामग्री साम्राज्ञी किए लता मंगेशकर मरीगले आमर सेमती पक्षी मानकर सामग्री किए जानते टी कोईली कोईली कुहतान केवल एप्रिल मस नर्ष ना जोटा कि आप देखिए धान सब नुआ बाहर सबुर नूतन कलबर केवल देखिए हिंदू नववर्ष तो जो बसंत ऋतु समस्ते पल्लवित ही आसी भगवान आसिले केते बेले आसिले ना नवमी तिथि नवमी तिथि रे भगवान आसिले पचरा गला भगवान को अच्छा प्रभु आपण कहीं नवमी तिथि आसिले कौन आवश्यकता थिला सेतेबेले भगवान कहले मु पूर्ण ब्रह्म माने पूर्ण अवतार नेबी पूर्ण संख्या रे जीवी ताले कहि परिबे कि संख्या केतेटा मात्र संख्या होची जदि गणित पढ़ा शून्य रु न जाए संख्या आउ किछ संख्या तापर ना तापर तो 11 एक एक दुई जिते मिसेले मिसई दब आ संख्या है शून्य रु 9 आ 9 हूँ एभलिया गोटे पूर्ण संख्या ताकू आप जो थे गुणवे मिसेबे न हम जो थे गुणवे मिसेबे न हम 9 को पणिका मन अच्छे 9 पंजा 45 4 5 9 9 72 7 2 9 9 दुगुण 18 1 8 9 9 को आप जो थे गुणी ताक मिसेबे से हम 9 कहीं पूर्ण संख्या पूर्ण ब्रह्म भगवान होते राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी भगवान होते पूर्ण ब्रह्म आज नवमी तिथि नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि भगवान अवतरित होती आउ के आसी मध्य दिवस अति शीतन ठीक कंपानी फेर पूरा लाल पड़ी चली चली जाऊँगी मुझे डाकबी भाई टी आस मोर ए कमटा करदेव आप कौन कहे आज्ञा टी रही था मुझे खाई पीकर शांति होटे पर आसान ना ना जी अचिना लोक किए थो आ रून मो कम सानी पेट जल्दे डाकदे एगारटा बेल करार डाकदेला के शांति हे ना जितेबाला भोजन टी पड़ जाइ पेटा थंडा थी से आप जहाँ कहले मुझे करदेवि ठीक से भाव में भगवान आसिले के ना मध्य दिवस अति शीतन धामा जितेबाला लोक मैंने खाई शांति रे विराजमान कर जगत शांति जाते आवाल वृद्ध मनीता खाद्य पूर्ण अच्छी पेटरे वृक्षलता पल्लवित अच्छा पशुपक्षी मैंने खाई आराम पल्लवित ही रही ठीक से ही समय रे भगवान आसी पहुँची गले केमिति का आसिले गोस्वामी तुलसीदास कहते भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी ना भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कौशल्यांकर कक्ष भितर भय प्रगट कृपाला प्रगट ही गले भगवान जन्म ही नांती
प्रगट हो गले केमिति का मुनि मन आरी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप माने चारिटा हाथ शंख चक्र गदा पद्म धरी से कक्ष भितर गोटे विराट बड़ पुरुष अर्थात भगवान सृष्टि हो गले बा प्रगट हो जाए डाक दौंट हे कौशल्या उठ मुसी कौशल्या देखले पेट खाली आगे ठियां गोटे विराट बड़ चतुर्भजिया चारिटा हाथ विशिष्ट गोटे पुरुष टीए तमें किए ना मु भगवान मु तो भगवान तुमको डाकनी ना डाकिन मुँ आसली कहीं मु मो पु बोली डाकी ना मुरा तुम पुहसी ना भगवान यहाँ गोटे कथा ए संसार लोक मैंने कहे कौन कौशल्या कौन गोटे करा जो एड़ी बड़ चारिटा हाथ अच्छी गोटे अधा बुढ़ाटा को आनी कह पु यहाँ कौन संभव तो भगवान आज कांदी पकाउंते कौशल्या प्रभु मुर कौन पुत्र रही मोर मु अपुत्रिक हेबी एभलिया दुख निंदा को सही पारि भगवान यठ गल आगत मोर दरकार ना यिया पु लोचन जेतबेले संसार सारा लोक माने कहउचंते भगवान आमे तुमको दर्शन करिबो सेतबेले गोटे माँ कहुची गोटे भक्तिमयी माँ कहुची हे भगवान मु तुमको दर्शन करिबे नाही तमे मो आखि सामनारु पळै जा आखि सामनारु पळै जा मोर दरकार नाही ए चारि भुजिया मणिषटा मोर दरकार नाही भगवान जदि आपण कथा देइतले मु तोर पुआई जीवी ताले गोटे पुआ हुअंतु माँ मु पर तो पुह ही कहती ना यहाँ पुह नुहे एमतीया कौन पुह हाँ एमतीया पुह हाँ ना तेल केमी का पुहत ना पुह हाँ पड़ो केमी का पुह भी ना छोटिया जमीती पुह हाँ एड़ी गोटे पुह निश्चित हाबाक ही पड़ो तो भक्ति प्रिय माधव भक्त प्रिय माधव भक्ति बंधा ही पड़ते भगवान कथा देते मु तुम पुह ही निश्चित भाव में जन्मग्रहण करी आज बाध्य भगवान बाध्य कौन करने ना छोटिया रूप नेवाई छोटिया रूप टेयले कहे एमती का हमने ना ना यहीटा भी नुहे ना आउ कौन करी ना तुम्हें कांदिया को पड़ो जान कौशल्या मुझे कांदी जगत कांद ना कांद तुम्हार किसी दरकार ना तुम्हें मो पु मैंने कांदिया को पड़ो तो भगवान आज बाध्य सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा हे सज्जन वृंद जेतबेले छोटिया पिला ही गले कहीं कहीं कांदवा को पड़े लगिले से दासी माने दौड़ी आसिले देखी दौंते कौशल्या महाराणी गोटे पुहला सांगे सांगे पहुँची जाऊँचे राजा दशरथ पाखे हे प्रभु हे महाराज दीर्घ दिन तपस्या दीर्घ दिन पर आपणकर गोटे संतान लाभ होती अर्थात कौशल्या गोटे पुह किसी समय पर आउ गोटे दासी आसी कहीदे प्रभु आपणकर गोटे नुहे दीटा नुहे चारि चारिटा संतान हो जाए आज जत छुणी दौंते कर्ण गौर में प्रतिध्वनित हो जाए हे राजा दशरथ तुम अपुत्रिक नुहे तुम गोटे नुहे दीटा नुहे चारि चारिटा संतान हो जाते से दशरथ महाराज कौन चिंता करुंट मानो ब्रह्मानंद समान भगवान को पाई सारापर ब्रह्म विचरण कर सारापर जो आनंद आसी जाए आज से ही आनंद मध्य पलि आसी दशरथ पाखे कौन करा दान कर ब्राह्मण मान दान कर सत मान दान कर पूरा पल्ली जिते प्रचार हो जाए तुंडवायुद सहस्र कोश आबाल वृद्ध बनीता अर्थात अयोध्यापुरी जीए जहा चाह आज राजा दशरथ कौन अकुंठी चर्चित समस्त को दान करने को लगे दान नहीं देते तुम्हें समस्त निय शांति हो जाओ आज मो घरे चारि चारिटा संतान हो जाते तो सज्जन बृंद से मानव ब्रह्मानंद समान दान कर लगे राजा दशरथ कहीं पुत्र आप देखते आमर पुहला मैंने आम मीठा बांटुचे ना नहीं हाँ ना नहीं आमर अवश्य मिठाई नहीं प्रसाद सेवन व्यवस्था है जे तो प्रसाद सेवन व्यवस्था अच्छी ठीक से भाव में
दान करुच्छे आम भी मीठा दान करुचे ना किंतु सज्जनवृंद मुकी अनुरोध विनीत प्रार्थना करी अनुरोध करी आपण पचे दान कौन मीठा न दिंतु कि किसी न दिं आवश्यकता ना किंतु आम मंदिर पर आम कमिटी तरफ रखा जा आसंता काठार इटा थुआ हे जदि माँ मैने आपणक इच्छा जीटा हम दान हूँ सर्वप्रथमे आम चिंता करपर सापण मानकर मनोबल आपण मानक विश्वास आपण मान भरोसा जो आम 20 फुट मंदिर पलि जाइए तेणु भगवान जन्म काल आम जी एति के दान कर मीठा नदे ना आपण पाखे जीटा इटा दान हम आप राम राम लेखु काली सका ये इटा थुआ हम आप 10टा 15टा 20टा 50टा 100टा जी दान करें से दान करूँ निश्चित भाव आपणकर कल्याण हम आउ भगवान कौन कौन हम ना भगवान आपण को कल्याण करेंगे निश्चित भाव में जदि आपणकर विश्वास भरोसा अच्छी केते पैसा कड़े पलि जाऊँगी हाँ ना जदि गोटे गोटे इटा आप दान करती बेसी ना गोटे इटा को जहाँ पैसा पड़ो कि आप पांचटा दे पारे 10टा दे पारे आपण को जबरदस्त नहीं आपड़ एति दिंतु बोली आम मंदिर या बुझेगा ना आपड़ निजे आसतु इटार पैसा जीए कमिटी बाला अच्छा इटार पैसा दिंतु इटार राम राम लेखिक आपड़ भितर पकई दिंतु आपणकर इटा निश्चित भाव में मंदिर याम लगे जावत चंद्र दिवाकर जे पर्यंत सूर्य चंद्र अच्छा से पर्यंत आपणकर ना रही एठी न था ए कागज आपणकर ना न रही पारे किंतु भगवान दरबार में जिते आप संसार फेरी जी कैवर्त कही कहला प्रभु जदि आप दबा को चाहते मत कौन देवे ना फीरती बार मोई जो देवा सोई प्रसाद में शीर धरी लेवा मु फेरला बेले जदि आप मत कि देवे ताले मुझे प्रसाद बोली धरी आपण चली जी मुश्चित भाव में जी ए संसार के कौन करप कर पुण्य करना ना जदि किसी पुण्य मुझे इटा केंड दे था मंदिर को ताले से लेखाटा धर्मराज पाखे रे लेखा राम निश्चित भाव आपण कल्याण हम हाँ ना नहीं कहूना ना काठदे गला सरगला कि हबन हम ना नहींपर टी समस्ते कहले से पूरा पछाड़े रही किसी कहूना ना हम ना नहीं हम ठी का सका देखा केतेज इटा ये दौरान मुझे बसीचि दिन राति बसीचि मुझे देखुनी ये माँ हो आगुआ कहले देवे बोलिका माँ हम ना नहीं हम ठी मंदिर होना दी मस भर मंदिर हो चकलेट ये आसी आज पद्मलाभ विश्वाल सतरतम बहुत वार्षिक उपलक्ष्य जाओ भगवान तर दाम्पत्य जीवन को सुखमय करतु तर कल्याण हो चलापथ कुसुमित हो उत्तरोत्तर उन्नति हो बोल आनंद हाँ लिखाई ए जो आम भगवान जन्म उत्सव मीठा चॉकलेट आसी आउ जे वितरण कर प्रकाश पंडा एवं आज अन्नदाता होती प्रसाद दाता होती राजेन्द्र पाणीग्राही लक्ष्मीनारायण पाणीग्राही पद्मनाभ विश्वाल पांडव महापात्र अमर गौड़ खगेश्वर नायक विद्याधर डाकुआ दासरथी भाई भगवान से मानकर जीवन चलापथ को कुसुमित करूँ तांकर उत्तरोत्तर उन्नति हो अन्नदान हो बहुत बड़ दान भगवान तांकर मंगल करूँ आम समस्ते मनस्कामना पूर्ण करी तांकर चलापथ को कुसुमित करिवा पाई आउ थरे हरिबोल देवा बोल आनंद आउ अनुष्ठान तरफ रु समस्त सभ्य एवं भक्त मानू अनुरोध करा जाउची जो मैंने अन्नदान करने इच्छुक।